ओके सो जितना ऑब्जर्व किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो जितने भी ऑनलाइन मटेरियल है, जनरली वो आपको बता देते हैं कि रिसर्च इस टाइप की होती है, फिर ये, फिर डेटा इस तरह से कलेक्ट होता है, डेटा सैम्पलिंग इस तरह से होती है, देन जनरली टेक इट मोर टुवर्ड्स आइदर सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज। दोनों के हमारे साथ कोई खास वास्ता नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैनेजमेंट साइंसेज में व्हेन यू डिफाइन अ प्रॉब्लम, सो यू वुड से कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स इन पेशावर, ठीक है, मे बी ऑन स्टूडेंट लाइफ, जितना आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं। सो उस तरह की स्टडी जो है, मे बी द सेम प्रॉब्लम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समवन इन एम्स्टरडेम, ठीक है। अब आप कर रहे हैं उसके लिए पेशावर के लिए, तो आप एग्जैक्टली सेम मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज डेटा कलेक्शन। आपकी मेन रिसर्च इसी के ऊपर फोकस करेगी कि अब आपने पेशावर के लोगों से डेटा कलेक्ट करना है कि वो कितना फोन यूज करते हैं और किस टाइम पे, जो भी है सारा। सो बेसिकली डेटा कलेक्शन, डेटा सैम्पलिंग, और वो किस तरह से हो कि उसका जो आपका सैम्पलिंग जो है वो बाइस ना हो, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक उसका ना, उसके अंदर डाइवर्सिटी और वो सारे सारे स्पेक्ट्रम को फुली कवर करें। अगर आप पेशावर के अंदर सिर्फ हयातबाद का डेटा उठाते हैं तो इट मीन्स कि आपने पूरे पेशावर को ठीक से कवर नहीं किया। तो वो सारा या इसको फोकस करते हैं, या वो इन अ वे दे ट्राई टू टीच रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। और आखिर में कंक्लूजन हमारी ये निकलती है कि मोबाइल फोन स्टूडेंट्स यूज करते हैं तो ज्यादा, तो उससे ये जो है नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। दिस मे बी द आउटकम ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो बेसिकली उसका पूरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस एज में इतने घंटों से ज्यादा फोन नहीं यूज करना चाहिए, और जनरली जो करते हैं उससे ये इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द रिसर्च। इफ इट इज मैनेजमेंट साइंसेज रिसर्च, सो दे बेसिकली ट्राई टू डू सम एनालिसिस कि अच्छा यहाँ पे लोकली, वहाँ पे लोगों का जो था एम्स्टरडेम में, दीज वर द फैक्टर्स दैट वर अफेक्टिंग देयर मे बी फोकस और समथिंग, यहाँ पे ये मसला है। तो ये उन्होंने क्या किया, एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो के ऊपर उसको अप्लाई किया। और अगर आप सोशल साइंसेज से उसको लिंक करते हैं तो आप उसको ये कर सकते हैं कि अच्छा सोशल इंटरेक्टिविटी पे कितना फर्क पड़ता है, दिन में फिजिकली कितने लोगों से मिलते हैं, तो अब आपने क्या किया उसको लिंक कर दिया कि सोशल इश्यूज जो है उसके साथ, और फिर आप कह सकते हैं कि अगर इसको आप रिड्यूस करेंगे तो आपके फिजिकल कॉन्टेक्ट से वो बढ़ जाएंगे। और उस तरह हम उन दोनों तरह के रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की खास बात यह है कि इसमें जो वैल्यूज आपके पास हैं दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर किसी ने एम्स्टरडेम में रिसर्च की है और उन्होंने ये कहा है कि फ्लैट डेटा सेट पे हमने ये टेक्निक अप्लाई की और हमारे पास ये एक्यूरेसी आ गई है, नाउ दैट वुड मीन एग्जैक्टली द सेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसको रेप्लीकेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग उन्होंने ये काम किया हुआ है उसके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसको वो एड्रेस नहीं कर रहे, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो जो बार सेट होता है कि दिस इज द करंट स्टेट ऑफ रिसर्च, वो अक्रॉस द ग्लोब वो सेम होता है, एक्सेप्टेबल होता है। आपने लेट से एक्यूरेसी को 93 से 94 कर दिया, नाउ दैट इज द स्टैंडर्ड, और पूरी दुनिया में जो भी उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करे उनके लिए वो स्टैंडर्ड है, वो उसको बीट करेंगे। तो कोई लोकलाइज सॉल्यूशन जो है वो चीज काम नहीं करती। और दूसरा तो एक तो ये कि आप जो लिटरेचर स्टडी करेंगे दैट इज मींस इट्स एक्सेप्टेड ग्लोबली, और आपका काम अगर वहां पे फिट हो रहा है तो दैट वुड आल्सो बी एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो एक चीज तो ये हो गई कि कोई लोकल उस पे फर्क नहीं पड़ता, फॉर एवरीवन देयर डेटा सेट मींस द सेम। अगर आपने जो है किसी प्रॉब्लम की डिटेक्शन करनी है, किसी मालवेयर की, या जो है कोई और इस तरह की प्रिडिक्शन करनी है, मे बी स्टॉक एक्सचेंज की, तो दैट वुड मीन द सेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो उस तरह से आप उसको स्टैंडर्ड लेके आप लिटरेचर को स्टडी करें और वहीं से जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसको उसको एड्रेस करें पॉसिबली कि क्या इसके अंदर लिमिटेशन है। दूसरा जो इसके अंदर मेन चीज है दैट इज दैट क्वांटिटेटिवनेस इज बेसिकली वेरी क्रिस्प टू डिफेंड, ठीक है। और आपके लिए जो आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा इसका ये इफेक्ट भी आ सकता है और वहां से ये इफेक्ट भी आ सकता है, इफ एक्यूरेसी इज 93 सो दैट मींस 93 आपने उसको बीट करना है, सो योर वर्क मस्ट प्रोड्यूस समथिंग दैट इज 93.1 और 94 और 95। आपने नंबर्स में उसको बीट करना है जी, उस हाँ उसने आपने ऊपर जाना है। आप रीजनिंग नहीं कर सकते कि हमारा मॉडल जो है वो उसने इस तरह से ये किया तो उसने ये किया, आपने एग्जैक्ट नंबर्स को बीट करना है।
अगर आप कहते हैं कि चल अच्छा हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेसी को बीट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मॉडल जो है लेट से दैट इज कंप्यूटेशनली वेरी एफिशिएंट, ठीक है, अगर ये आपका गोल है कि बाज दफा ये होता है कि एक्यूरेसी तो बहुत अचीव कर ली है, नाउ इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक दैट बार, ठीक है, कि उससे भी आप ज्यादा एक्यूरेसी ले लें, तो आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, आप दूसरी तरफ डायमेंशन में चले गए कि हमारा मॉडल जो है वो एफिशिएंट ज्यादा है. सो यू वुड फर्स्ट स्टडी द लिटरेचर, के एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर जो मॉडल्स हैं उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट क्या है, और उसको जो है उसको फिर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, समटाइम्स इट्स मेंशन्ड इन द पेपर, समटाइम्स आप खुद उसको रिप्रोड्यूस करके उसको रन करेंगे और उससे वो वैल्यूज निकालेंगे, एंड देन यू वुड ट्राई टू बीट दैट, ठीक है. मे बी कंप्यूटेशनल जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी उसका बेहतर है, एंड यू सी के मे बी दिस मॉडल मे नॉट डू वेल व्हेन देयर इज नॉइज इन द डेटा, तो आप वही मॉडल जो 95% एक्यूरेसी दे रहा है, यू इंट्रोड्यूस सम नॉइज इनटू द डेटा सेट और फिर ट्राई करें कि उसकी एक्यूरेसी कितनी गिरती है. सो यू वुड से दैट ऑल्दो दिस मॉडल इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बट इफ द डेटा सेट हैज गॉट नॉइज व्हिच इज लाइक समथिंग वेरी कॉमन, हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर नॉइज हो सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नॉइज इफेक्ट हो रहा है, इसकी एक्यूरेसी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है. सो नाउ योर ऑब्जेक्टिव वुड बी हाउ टू मेंटेन हाई एक्यूरेसी व्हेन देयर इज नॉइज इन द डेटा सेट, और आप सारे डेटा सेट नॉइज वाले डेटा सेट पे उन सारे मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और उसके ऊपर अब आप एक्यूरेसी को बीट करने की कोशिश करेंगे. सो व्हेन यू कैन नॉट बीट, समटाइम्स देयर आर पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पे काफी ज्यादा लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है, सो इन दैट केस आप थोड़ा सा चीज को लोकलाइज कर देंगे कि अगर इस तरह से अगर डेटा स्ट्रीमिंग हो तो उस केस में ये कैसे परफॉर्म करेगा. सो समटाइम्स यू हैव टू लाइक टेक अ स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन एंड सी के उसमें वो मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड नॉर्मली यू वुड फाइंड समथिंग टू वर्क ऑन वंस कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाती है, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस. अगर एक मॉडल की स्ट्रेंथ उसको एक तरफ ज्यादा बेहतर करके दे रही है, तो मे बी देयर इज अ लिमिटेशन टू इट जो दूसरे डायरेक्शन में ठीक तरीके से काम नहीं कर रही. डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर आप कहते हैं कि अच्छा इस मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सो आइदर यू ट्राई टू कम अप विद समथिंग दैट वुड लाइक इंट्रोड्यूस समथिंग इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ डीप लर्निंग, कोई नई लेयर इंट्रोड्यूस कर दी, कोई एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट वुड एक्चुअली इंप्रूव द एक्यूरेसी फर्दर, और यू वुड से दैट देयर आर प्रॉब्लम्स वेयर वी डू नॉट हैव इनफ डेटा सेट दैट वुड ट्रेन अ डीप लर्निंग मॉडल, तो आपने तो उसको पहले से ही वो अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया. सो नाउ यू आर लेफ्ट विद द अदर ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और अब आप उनके साथ कंपैरिजन करके वहां पे अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाएंगे. सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्कोप ऑफ योर रिसर्च. और फिर जब आपने स्कोप डिफाइन कर दिया कि अच्छा हमारे पास जो है अगर डेटा सेट लिमिटेड हो तो डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन नहीं हो सकते, दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गो टू द बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स, और वो फिर एक्यूरेसी इतनी देते हैं, तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग जो इस तरह से काम करेगा, मे बी जो डीप लर्निंग मॉडल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके फिट कर देंगे, या जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं उनके अंदर कुछ नया करेंगे, कुछ फीचर्स को डिफरेंट करेंगे, दैट वुड एक्चुअली बीट द बेंचमार्क ऑन दोज डेटा सेट्स, ठीक है. तो इस तरह से जो है आप अपना स्कोप जो है उसको लोकली डिफाइन करेंगे. जब आप स्कोप लोकली डिफाइन करेंगे तो अब ये है कि वाकई इस चीज की जरूरत है कि नहीं, ठीक है. सो फॉर दैट यू नीड टू कम अप विद समथिंग दैट वी कॉल लाइक अ यूज केस सिनेरियो. आप कह रहे हैं कि अगर डेटा सेट कम हो तो फिर हम वो मॉडल्स यूज नहीं कर सकते, और ये मॉडल्स अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो फिर हमारा मॉडल जो है वो इस तरह से काम करेगा. तो Is it actually possible in real world कि आप जिस problem की बात कर रहे हैं उसके लिए data set कम हो, और वो यानी जो आप जो scenario assume कर रहे हैं, is that practically possible? अगर possible है तो आपका सारा जो focus होगा ऊपर introduction में जो भी आपका write up है thesis का या paper का, अब आप उस चीज पे ज्यादा focus करेंगे कि हमारे पास इस तरह से scenarios होते हैं जिसके अंदर हमारे पास data ज्यादा नहीं होता, हमारे पास let's say e-commerce में different products के ऊपर लोग review करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे एंड वी डू नॉट हैव इनफ डेटा ऑन दोज न्यू प्रोडक्ट्स, तो हम चाहते हैं कि हम अर्लियर स्टेजेस पे उसकी जो है मे बी सेंटिमेंट एनालिसिस या जो भी उसके प्रॉब्लम डिटेक्शन वगैरह स्पेन डिटेक्शन वो काम करें. सो वो आपका सारा जो जो इंटरेस्ट आप डेवलप करेंगे अपने काम का, वो आप उस तरफ लेके जाएंगे, एंड यू वुड स्पेसिफाई विद सम यूज केसेस के ये इस तरह के सिनेरियो में ये पॉसिबल है. अगर आपका मॉडल जो है लेट से उसकी डिटेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने टाइम से टाइम आप ले रहे हैं, आपकी जो टेस्ट केस की एफिशिएंसी है वो बेहतर है, सो मे बी यू वुड सजेस्ट सिनेरियोस लाइक मोटरवेज
अब आपका जो जो ऑब्जेक्ट है जब वो सेंसर से गुजर रहा है तो वहां पे आप कह सकते हैं कि दीज आर पर्टिकुलर सिनेरियोज वेयर वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डिटेक्ट। और फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा हमारी 95-93% एक्यूरेसी है, हमने कोई बहुत बड़ी चीज वो नहीं, इतने लोएस्ट लेवल ऑफ पिक्सल्स तक नहीं डिटेक्ट करनी, मेन नंबर आइडेंटिफाई करना है दैट इज बीइंग असाइंड टू दैट पर्टिकुलर व्हीकल और उसकी बेस पे हमने डिटेक्शन करनी है, बट आवर मॉडल इज मोर इफिशिएंट और ये इस सिनेरियोज में ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो दैट वुड बेसिकली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च कि इस चीज में आप क्यों काम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग जैसे हमने बात की कि अपने प्रॉब्लम को लोकलाइज करें, इफ यू डू नॉट हैव इफ उसकी जो जो मेन प्रॉब्लम है उस पर एक्यूरेसी ऑलरेडी काफी ज्यादा है। और लोकलाइज का मतलब वो नहीं है कि जैसे हमने वो दूसरे से कंपेयर किया कि आप हाँ कि आप प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करें, ये नहीं कि आप किसी एक सिटी का जो है डेटा वो दूसरी सिटी के उस पर अप्लाई करें। और सेकेंडली ये कि जब आपने लोकलाइज कर दिया है तो फिर आप उसके लिए रेशनल डेवलप करें कि रियल वर्ल्ड में ये किस तरह से पॉसिबल होगा। सो दैट इज बेसिकली allowing other people to have interest in your research, ठीक है, तो उसको उस तरह से relate कर सकते हैं। जब आप काम शुरू करते हैं research का तो generally एक objective ये भी होता है कि to get some funding for that research, ताकि अगर आपको funding मिल जाए तो generally आपके दो objectives बड़े अच्छे serve होते हैं। पहला जो है आपको financially एक gain start हो जाता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आपके काम के साथ अगर लिंक हो जाता है तो दैट मींस कि आपने ऑलरेडी जो रिसर्च किया हुआ है पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर विलिंग टू पे फॉर रिसर्च इन दैट एरिया। सो दैट मींस कि आप ऑलरेडी करंट इंटरेस्ट की चीज को हिट कर रहे हैं। उसको देखने के लिए आप ऐसा करें कि यूएन ने 17 जो है वो सस्टेनेबल एक गोल जो है वो सेट किए हैं, आई थिंक उसको क्या कहते हैं कोई sustainability goals of something इस तरह से वो बनता है, I'll share the link for it। और उन्होंने कोई 17 जो है वो points mention किए हुए हैं कि ये UN के priorities की list पे है, ठीक है, और फिर उनके अंदर subsections हैं। So जब आप research start करते हैं so just try to go through that list and link it with either the main points या उनके अंदर जो sub points है उनमें से किसी के साथ link करें, क्योंकि even recently I have seen it like in past couple of years के पाकिस्तान में भी अगर कोई research funding का कोई वो आता है so they say के ये कहाँ पे जाके link हो रहा है जो UN के जो sustainable goals हैं उसमें ये कहाँ पे जाके link कर रहा है। so अगर वो आप already आप उसी चीज़ को target करें जो उसके साथ link कर रहा है तो that means के आप locally और internationally बहुत सारे scholarships के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी लिटरेचर को स्टडी किया हुआ है, यू हैव अ प्रॉब्लम इन माइंड, यू हैव अ वेग सॉल्यूशन इन माइंड, आप उसको एक प्रपोजल के फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके आप डिफरेंट जगह पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े से फॉर्मेटिंग वगैरह वो होंगे और आप एक ही वक्त में मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मे बी ऐसे लेट्स से वन ऑफ सच प्रॉब्लम इज जेंडर बायस, तो अगर आपका काम इस चीज के ऊपर फोकस्ड है सो दैट वुड सजेस्ट के अब आपने जो भी करना है, आप तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का कोई मॉडल जो है वो ट्रेन करेंगे, कोई डेटा सेट उसके लिए होगा, वो सारा कुछ होगा, बट जस्ट ट्राई टू मेक इट लिंक टू एनी ऑफ दिस पॉइंट्स। वो कोई वाटर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, वो मे बी कोई सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर आपका मेन डेटा वहां से आ रहा है तो इट मीन्स कि आप उस एरिया के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे आप ये काबिल हो जाएंगे कि आप उन सारे फंडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सिर्फ ये है कि आप उनको गो थ्रू कर लें ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ पे इसको लिंक कर सकते हैं। इसकी ऐसी है कि रिसेंटली हमने एक प्रपोजल सबमिट किया था इसके लिए, वी ऑलरेडी हैड दैट प्रपोजल, कोई पार्शियली हमने उसके ऊपर काम किया हुआ था एंड दैट वाज अबाउट फेक न्यूज डिटेक्शन, ठीक है। सो फेक न्यूज डिटेक्शन ऑन सोशल मीडिया इज बेसिकली एन एरिया के हमारे पास डिफरेंट लोग जो है वो विदाउट क्रेडिबिलिटी कोई भी चीज पोस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो शेयर भी करते हैं, वो ट्रस्ट भी कर लेते हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज फैक्ट्स वो जो है स्ट्रेट अवे उसको आगे और लोगों तक भी फैलाते हैं। सो वो एक सेपरेट चीज़ है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो लोग हम लोगों ने अडॉप्ट की है, सो हम उस चक्कर में नहीं पड़ते कि इसके क्या वो अब्यूज़ हो सकते हैं। जो भी चीज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह वो एक्चुअल जो ट्रस्टेड न्यूज़ साइट्स हैं वहाँ से नहीं वेरीफाई करते, सोशल मीडिया ही उनका मेन तो वो था कि फेक न्यूज डिटेक्शन है, बट हाउ वी लिंक्ड इट टू वन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स वो ये था कि
we just particularly restricted it to the case of polio. ठीक है, या पोलियो के बारे में भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने डिफरेंट इस तरह के वो ओपिनियंस देते हैं और देर इज नो लाइक देर आर नो फैक्ट्स बिहाइंड इट कि ये कितना ट्रू है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग पोलियो और ये ड्रॉप्स जो है वो नहीं लेते. एंड देन वी रिपोर्टेड सच केसेस के कहाँ पे किस तरह से इंसिडेंट्स हुए जो पोलियो के जो जो भी इनकी टीम है इनके साथ. सो दैट बेसिकली थ्रू दैट वी लिंक्ड इट टू द हेल्थ और हेल्थ के अंदर जो है वैक्सीनेशन के साथ उसको लिंक किया. और इन पर्टिकुलर हम कर रहे थे फेक न्यूज डिटेक्शन. फेक न्यूज डिटेक्शन जो है वी लिंक्ड इट टू एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पोलियो वैक्सीनेशन. सो द फेक न्यूज रिलेटेड टू पोलियो और उसके बाद उसको हेल्थ के साथ लिंक किया और उस तरह से उस कैटेगरी के अंदर जो है उसको अप्लाई किया. सो आपने बेसिकली आपका काम जो भी है most of the time you would be contributing to machine learning models aur uske jo pipeline hai wahi pe aap kahin pe contribute kar rahe honge, lekin agar aap apna data ko aur problem ke scope ko us tarah se link karte hain, so that would allow you to have basically apply for different fundings. theek hai ji. acha, so research degree jo hai wo we talked about ke aapne in wajah se एक रिसर्च डिग्री स्टार्ट की. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइनेंस इट. तो उसके लिए अगेन आपको पहले से जितना आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं सो दैट वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि इफ यू जस्ट ब्लाइंडली जंप इनटू दिस और इस एज पे आपको लगता है कि आपको खुद फाइनेंसिस भी मैनेज कर रही है करनी पड़ रही है, सो दैट मींस के आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि ना आप स्टडी को टाइम दे सकते हैं और ना जो है आप अपने जॉब जो है उसके बगैर भी आपका गुजारा नहीं है. सो अगर आप पहले से इन चीजों को प्लान करके आते हैं सो दैट इज अगेन अनदर गुड आइडिया के आपकी जो स्टडी है वो इन बिटवीन जो है वो इफेक्ट ना हो. सो आइदर यू हैव यू कैन लाइक बेयर द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ योर डिग्री और यू आर लाइक ऑलरेडी जो बहुत सारे लोग जो है वो पहले से ही फंडिंग्स वगैरह और उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ डिग्री जस्ट टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड के वो सारा जो है अपनी स्टडी पे फोकस करें. सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन के अगर आपको खुद जॉब करनी पड़ रही है तो आप किस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं. द थर्ड एस्पेक्ट जब आप डिग्री आपकी फाइनेंसिस भी डिग्री भी स्टार्ट कर ली फाइनेंसिस का भी आपने कुछ सिस्टम कर लिया है जिसकी वजह से थिंग्स हैव गॉट रनिंग. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू पिक कोर्सेस. आपकी डिग्री प्रोग्राम के अंदर कुछ कोर कोर्सेज हैं. देर आर सम पीपल हु आर अगेंस्ट कोर कोर्सेज के किसकी ज़रूरत क्या है, मैंने रिसर्च इस एरिया में करना है, मुझे दो तीन कोर्सेज उस फील्ड के मैं पढ़ लूँ और बस मैं वहाँ पे अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दूँ. सो दैट इज़ बेसिकली जब आप मास्टर होते हैं एक फील्ड के सो यू वुड गेट अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ डेटा साइंस. तो आपको उस फील्ड का जो ब्रॉड जो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, नॉट इन डेप्थ लेकिन आपको उनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग कोर कोर्सेज. कंप्यूटर साइंस में अगर हम एमएस की बात करें डिग्रीज दैट वी हैव एमएस सीएस और एमएस डीएस. सो एमएस सीएस में आपके कोर कोर्सेज जो हैं वो रिसर्च फोकस उन पर नहीं होता, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री आप वो कोर्सेज पढ़ते हैं. आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, आप उसके साथ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे. यू वुड हार्डली सी एनीवन इन द सराउंडिंग जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो है आर्किटेक्चर के अंदर रिसर्च किया हो. उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास लोकल इंडस्ट्री उसकी उस तरह की सपोर्ट नहीं है और आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उस तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं हो सकते. तो इस वजह से वो कोर्सेज आप पढ़ लेते हैं देन यू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द इलेक्टिव कोर्सेज के वहाँ से आपको रिसर्च में भी प्रॉब्लम मिल जाए. डेटा साइंस जो है दैट बेसिकली गिव्स यू मोर वैरायटी के आपका जो जो कोर कोर्सेज है वहाँ से भी आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं बिकॉज देमसेल्व्स दे आर स्टिल वेरी न्यू और उसके अंदर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो रही है. सो इफ बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूर कोर कोर्स स्टिल यू कैन कम अप विद रिसर्च प्रॉब्लम दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बिग डेटा एनएलपी डीप लर्निंग जो आपके कोर कोर्सेज हैं उसमें से भी आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं. देन इलेक्टिव जो है उस पर फिर आपने फोकस करना है कि जनरली ज़्यादा चांसेज है कि इलेक्टिव्स में से आपको अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो मिल जाए.
सो जब आप कोर्सेज पढ़े सो ईच कोर्स दैट यू स्टडी जस्ट लुक इनटू इट फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव के एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन प्रोसीडिंग विद रिसर्च इन समथिंग सिमिलर. प्रॉब्लम आपको नहीं पता, आप सिर्फ कोर्स के डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, बट इस तरह के काम करने में आप इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं. और उसके लिए एक अच्छा वो ये भी है कि आप एक रिसर्च पेपर पढ़ें, मोस्ट प्रेफरेबली अगर कोई सर्वे पेपर है तो वो आप पढ़ें, और आपको बहुत सारी चीज़ों की नहीं समझ आएगी बिकॉज आप बिल्कुल एक स्टार्टर हैं उस एरिया के अंदर. लेकिन एक जब आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो एक फटीग उसके साथ डेवलप होता है, और आपको जनरली लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को पढ़ना जब आपको समझ भी ना आ रहा हो. तो वहां से आपको एक ज्यादा वो आइडिया डेवलप होगा कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टिक विद दिस फील्ड. आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ते जा रहे हैं, तो वहां से एक इंटरेस्ट, क्योंकि रिसर्च जो है थ्रू आउट इट्स स्टेजेस, आपको हर स्टेज पे उस चीज की नहीं समझ आएगी. जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपको, या डेटा सेट चूज करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, आपको उसकी नहीं समझ आएगी. आप लिटरेचर पढ़ेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा होगा तो आपको उसकी नहीं समझ आएगी. तो आप हर स्टेज पे बिल्कुल जो है फ्रस्ट्रेट होंगे. तो अगर वो एरिया ऐसा है जिसके अंदर आप फ्रस्ट्रेट फिर भी होंगे लेकिन आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो या कम है या आप उसको ज्यादा जल्दी ओवरकम कर लेते हैं तो आप उस एरिया में काम कर लेंगे. और जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है और आपको कोई खास मोटिवेशन नहीं है तो देट मीन्स के वहाँ पे आपको काम करना उस प्रॉब्लम के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो वो अगर आप वैसे एक पेपर उस फील्ड का उठा के पढ़ना शुरू करें तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा. With the fatigue of not understanding the concepts that are discussed in this paper, kya main still uske saath stick kar sakta hu ki main fir bhi uske saath aage proceed karu aur usko padhta jaun. So ye jo hai usko explore kare at this level. Core courses mein jo hai generally aapko research problems nahi introduce hote, but in elective courses at the later stages of the course aapko kuch recent research ke problems us field ke andar jo hai wo डिस्कस करते हैं. और उसका मेन मकसद भी ये है कि आपको थोड़ा सा जो है लेटेस्ट रिसर्च के अंदर वो पता चल जाए कि इस प्रॉब्लम के अंदर, इस फील्ड के अंदर लोग क्या कर रहे हैं. और वो कोर्स के अंदर आपको वो पेपर जो है दो चार वो पढ़ाते हैं कि आपको पता चले कि अच्छा ये पेपर है, इन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, ये प्रपोज सोल्यूशन दिया, इनका सोल्यूशन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन उसकी ये है, इसको आप रन करेंगे तो इन्होंने अजम्पशंस लिमिटेशंस वगैरह ये डिफाइन की है, और इस तरह से आप रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करें. सो दैट इज बेसिकली demonstrating some of the latest work, ताकि आप उसके अंदर existing काम के साथ आपकी और जो सारा steps हैं उसके साथ know-how बढ़ जाए और आप उसको आप interested के अच्छे इसी काम को मैं further proceed करने में interested हूँ करके नहीं. So just go into the your coursework with that mentality कि आप उसके अंदर अपने problem को identify करें. MS के अंदर इस चीज को ensure नहीं करते इतना, but in some courses आपको paper की एक requirement हो सकती है कि इस research, इस पूरे course के अंदर आपका जो project है that is basically to write at least a conference level paper जो length में कम होता है वो आप इसके अंदर करें. And generally when you do that project जरूरी नहीं है कि आपके results हैं वो उस benchmark को beat करें और आपका write up भी उस quality का हो, बट बाई द एंड ऑफ दैट कोर्स आपने एक प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया, आपने सोल्यूशन प्रपोज किया, उसके अंदर काफी चेंजेस की, बट स्टिल यू कुडंट मैनेज टू बीट दैट दैट बेंचमार्क. और आपने एक राइटअप भी उसके लिए लिखा कि ये लिटरेचर स्टडी किया, ये हमारा प्रपोज काम है, और ये सारा कोर्स एंड हो गया और आप आगे चले गए. विद एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर कोर्सेज आपके माइंड में नए आइडियाज आएंगे. अच्छा इमेज प्रोसेसिंग में हमने ये चीज पढ़ी थी, ये तो उधर टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है. यहाँ पे हमने प्योर मशीन लर्निंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू वुड हैव अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके माइंड में. बेसिकली वो टूल्स होते हैं ना कि आप डिफरेंट, आपके वो टूल्स बढ़ते जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि ये टूल वहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं, ये वहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं. इनिशियली हिट एंड ट्रायल ज्यादा होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपको बिफोर एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि ये मैं अप्लाई करूंगा तो इससे शायद काम ना हो. तो बेसिकली एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा लेकिन आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाएंगे. अब आप 20 चीजें नहीं ट्राई करेंगे, आप 3-4 ट्राई करेंगे क्योंकि आप बहुत सारी फिल्टरिंग अपने माइंड में कर लेंगे, हाँ ये उधर काम नहीं करेगा. दैट ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस. इनिशियली आप ज्यादा चीजें जो है वो ट्राई करेंगे और आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे. सो बेसिकली पॉइंट ये है कहने का कि इवन देयर पेपर मे नॉट बी एट अ लेवल ऑफ submitting it somewhere during that course, लेकिन बाद में semester break आ गया, आपका जो है maybe thesis 1-2 start हो गया और आप कहते हैं अच्छा वो काम भी मैंने उस stage पे छोड़ दिया था, let's just try this one equation, this one
कंडीशन, और उससे अगर आपका काम बेहतर हो रहा है तो आप बाद में जाके उसको पब्लिश कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी 70-80% काम किया हुआ है और आप बाद में उसको जो है वो कर सकते हैं। सो देट वुड बेसिकली इंश्योर के ये दो तीन फील्ड्स हैं और उसमें आपने लिटरेचर को स्टडी किया, प्रॉब्लम पे आ गए, उसके पे सोल्यूशन प्रपोज किया और फिर वो राइटअप को दरमियान में छोड़ के आप अगले कोर्स पे चले गए। तो जब आप थीसिस वन पे पहुंचेंगे सो आपको अच्छा खासा फ्लेवर ऑलरेडी होगा, क्योंकि जो इलेक्टिव्स पढ़ाएंगे आपके पास वही लोकल रिसोर्सेज हैं। अगर आपने बिल्कुल आउट ऑफ द वे कोई प्रॉब्लम आप लेके आ रहे हैं फॉर विच यू डू नॉट हैव अ लोकल रिसोर्स, आपके पास सुपरवाइजर नहीं है यहाँ पे, तो टेक्निकली ऑल्दो मेरे ख्याल में फास्ट अलाउ नहीं करता, बट इन सम केसेस आप एक्सटर्नल सुपरवाइजर रख सकते हैं फास्ट में, या उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरनल को एक रख लें जो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए आप काम किसी और के साथ कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी और आपका जो है अगर आप डायरेक्टेड अपने गोल्स को अचीव नहीं करते उस बंदे को हम बाउंड नहीं कर सकते, हमारे पास आप हम आपसे पूछेंगे कि ये क्यों आपने इस तरह से नहीं किया। सो इस वजह से जो है ऑल्दो ये प्रोसीजर हो सकता है उसका, बट जनरली पीपल गो टूवर्ड्स द लोकल रिसोर्सेज। तो जो इलेक्टिव्स हैं कौन पढ़ा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो उसका वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें वो इलेक्टिव पढ़ा रहे हैं और आप फिर आगे उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो इलेक्टिव से आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद आप उनसे पता कर सकते हैं, बल्कि विदाउट बिफोर गोइंग टू देम ये भी एक अच्छी अप्रोच है कि जस्ट शो यूर एफर्ट कि आपने आप कितना इंटरेस्टेड है इसमें। अगर आप जाएं किसी के पास कि मुझे रिसर्च के लिए प्रॉब्लम दें तो वो आपको कहेंगे कि अच्छा ये चीज़ पढ़ के आ जाओ, आपने भी बगैर तैयारी के चले गए और उन्होंने भी बगैर जो है टाइम लगाए आपको फारिग कर दिया। तो ये इस वजह से कि इट क्लियरली शोज कि ये बंदा कितना सीरियस है इसके अंदर। तो जब आप उनके पेपर्स पढ़ के जाएंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन द बेसिक फील्ड ऑफ रिसर्च जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये दो तीन पेपर्स मैंने पढ़े हैं, मुझे इसकी समझ आई, बाकी सारी चीज़ों की मुझे नहीं समझ आई, वो आप ओपनली बता सकते हैं, बट एटलीस्ट आप उनको समझ बता रहे हैं कि कुछ एफर्ट मैंने पुट किया बिफोर कमिंग टू यू, और वो फिर आपको बता सकते हैं कि अच्छा इसके लिए आप ये कर लें। सो जनरली देट शुड बी द प्रोसीजर टू पिक अ रिसर्च एरिया। अभी हम प्रॉब्लम की नहीं बात कर रहे, एरिया के कर रहे हैं कि इलेक्टिव कोर्सेज में अपने इंटरेस्ट को जो है इवेल्यूएट करें, फिर जिस में आपका इंटरेस्ट बन रहा है उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ें फ्रॉम देयर प्रोफाइल्स, एंड देन बिफोर अप्रोचिंग देयर सुपरवाइजर डू सम होमवर्क, और उसके बाद उनको जाके अप्रोच करें, ठीक है। दिस अप्लाइज टू आई वुड आल्सो सजेस्ट आप इवन अभी से आप इंटरनेशनल लिंकेजेस जो है उसके ऊपर भी काम शुरू करें। आप 10 ईमेल करेंगे तो शायद आपको कोई एक आध जो है वो रिस्पॉन्स आए, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल्स करते जाएं, ठीक है। आपके अंदर जो है थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी कि कैसे आपने लोगों से बात करनी है। यहाँ पे आप किसी को हमें बहुत सारी ईमेल्स ऐसी आती हैं कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, ना कोर्स का नाम मेंशन किया होता है, ना कोई सलाम दुआ होती है, ना कुछ वो इस तरह से। सो यहाँ पे फिर भी उस चीज़ को कोई जो है उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अब जब आप बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, और आपको एक स्टेज पर यह काम करना है, आपको बाहर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। सो इस वजह से वो एटिकेट्स हैं, वी वुड हैव अ लेक्चर ऑन दैट आल्सो, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, एंड देन ये सारे जो है बॉडी लैंग्वेज, ये सारा इस कोर्स का पार्ट है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी उतना आप अच्छे तरीके से अपने रिसर्च को कन्वे कर सकेंगे, कन्वे नहीं कर सकते तो आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका उस तरह से आपको एडवांटेज नहीं होगा। सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, firstly in writing, आपने जो काम किया हुआ है, आपने जो पेपर सबमिट किया तो उसके अंदर अगर आपकी राइटिंग वीक है तो आपके मॉडल के ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं, वो उधर ही आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा। तो राइटिंग, और वो भी एकेडमिक राइटिंग, नॉट द वे जो ब्लॉग्स लिखते हैं और जो दूसरा राइटिंग स्टाइल है जिस तरह से आप जनरल अपने एसेज लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। वो आपको पेपर पढ़ के भी अंदाजा हो जाएगा और हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और दूसरा फिर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप जो है डिफरेंट इवेंट्स पर जाके लोगों से मिलेंगे और आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके एक्सपर्ट्स होंगे उसमें, तो जितने आपके कोलैबोरेशन इस तरह से बढ़ेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो अभी से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या चीज़ प्रैक्टिस करें, दे आर ईमेल एटिकेट्स, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ओवर नेट के ऊपर उसके ऊपर सपोर्ट देख लेंगे, हाउ टू एड्रेस अ प्रोफेसर, ठीक है। अगर आपको उनके जेंडर का नहीं पता तो ये भी बड़ी एक जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप सर मैडम वगैरह लिख देते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग कि ये मेल है कि फीमेल है, तो
तो उनके प्रोफाइल के ऊपर जाएं, उनको वाकई देखें कि ये कौन है, और उसके बाद जो है नहीं आइडिया हो रहा बाज दफा तो उसको मैंशन करने की जरूरत नहीं है। जनरली व्हेन यू टॉक टू समवन, ये इसके ऊपर हमारा लेक्चर हो गया लेकिन मैं जस्ट आपको वो ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वी जब आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को तो आप उनको लास्ट नेम से कॉल करते हैं, फर्स्ट नेम से आप उनको कॉल करते हैं जिसके साथ आप ज्यादा फ्रेंक हो। तो ये वो चीजें हैं जो ग्लोबली लोग जिनको ऑब्जर्व करते हैं। ईमेल आपने उनको क्या करनी है, आपको जब थोड़ा सा कुछ पेपर्स पढ़ने और कुछ आइडिया हो जाए जैसे मैंने इस पर काम करने, आप उनको बताएंगे पहले तो आप डिफरेंट जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर रिसर्च लैब्स जो है वो आइडेंटिफाई करें कि आप लेट्स से मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं तो मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च लैब्स हैं उसके अंदर वो सारे उनके आ जाएंगे कि ये टीम है और ये उनके पेपर्स हैं और ये उनके प्रोजेक्ट्स हैं और अब तो कोड्स और डेटा सेट्स हर चीज़ उन्होंने पब्लिकली ओपन की होती है। सो उसको थोड़ा सा स्टडी करें पेपर्स वगैरह को और फिर उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनको लिखें, ठीक है। आपके वहाँ से ऐसे कोलेब्रेशन निकलेंगे कि आपको आइडिया भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि वो आपसे 10 कदम आगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपने नहीं फेस की, जो आपके पास एक्सेस नहीं है, कुछ टूल्स नहीं है, वो आपको वहाँ से वो आपको एक ज़बरदस्त जो है वो एक मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आपके 2-3 ऐसे हो जाए तो वो एक और डाइवर्सिटी का फैक्टर भी उसके अंदर आ जाता है इस तरह के। और दूसरा ये कि आपको एक फॉरन सेटअप के अंदर अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना जाएगा कि मैं किस तरह से एक बंदे को अपने रिसर्च प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप FIPs और इसमें इवन MS थीसिस के मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे एक प्रॉब्लम पे बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि एग्जैक्टली वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो ब्रॉड एरिया बता रहे होंगे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बता सकते कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस है कि आप किसी को कन्वे करें कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा सोल्यूशन जो है वो किस तरह से है। तो आप बेसिकली उनसे कोई चीज़ पूछेंगे लेकिन आप पूछेंगे कम और बताएंगे ज़्यादा। आप उनको ज़्यादा बताएंगे और उनके जो काम है उसके साथ रिलेट करके बताएंगे कि मैंने आपके भी ये 1-2 पेपर्स पढ़े हैं और ये मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो बेसिकली अगर वो इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाए आपको सो दैट मीन्स के दैट पर्सन इज विलिंग, उसने आपकी ईमेल पढ़ी है और वो उसका जो है जो जिस तरह से आपने लिखा है उसके साथ इशू नहीं है और वो आपको रिस्पॉन्ड कर दे, तो दैट मीन्स के इन फ्यूचर आप उनके साथ इस तरह से वो बड़े आप उनको मतलब प्रॉपर कोलेब्रेशन में आप म्यूचुअली पेपर्स लिख सकते हैं जो जरा ज़्यादा दूर की बात है बट वहाँ तक बात जा सकती है। एटलीस्ट अगर आपको हेल्प मिल जाए तो देट इज समथिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपको हर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो बिल्कुल डिसहर्ट नहीं होना कि मैंने 3 ईमेल्स की और मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो ये बस एक काम है जो आपने करते रहना है। फिर जो रिस्पॉन्ड जो ना रिस्पॉन्ड करें, 1-2 हफ्ते बाद एक रिमाइंडर भेजें, फिर भी ना करें उनको छोड़ दें, फिर किसी और को करें। और अगर जूनियर लेवल पे करते हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्स के चांसेस, जितना सीनियर करेंगे तो मे बी उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो, वो ना करें। तो ये काम एक एक्टिविटी आपने चलानी है। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो जिस फील्ड के ऊपर मैंने काम इनिशियली स्टार्ट किया बड़ा लिमिटेड उसके ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बहुत कम जगहों पे उस पर काम हो रहा था। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस इन US जो है वहाँ पे एक रिसर्च ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे बिंग लू, जो सेंटिमेंट एनालिसिस फील्ड उसने इंट्रोड्यूस की है। सो ही इज क्वाइट अ बिग नेम और उसने वो एक रिसर्च लैब के अंदर उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। उसके साथ एक PhD स्टूडेंट था जो एग्जैक्ट उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। इनफैक्ट मुझे इंस्पिरेशन भी उस काम की वहीं से हुई कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करूं जब मैंने उनके पेपर्स वगैरह वहां से देखे। सो आई कॉन्टेक्टेड हिम कि मैं इसमें प्रॉब्लम पे काम करने में इंटरेस्टेड हूँ और ये इस तरह से सारा उनको बता दिया और उसको अपना प्रॉब्लम और वो सारा उनके साथ एक्सप्लेन किया और फिर आई वुड जस्ट पुट अ क्वेरी और वो उसको रिस्पॉन्ड कर देता। वहाँ से उसने PhD की, आई थिंक फॉर सम टाइम वो कोई ट्विटर या कोरा जो है वहाँ पे कुछ जॉब की और अभी वो गूगल के साथ है, जो PhD स्टूडेंट था उनका। और वो ये था कि मेरी ड्यूरेशन जितनी थी PhD की जब मेरे उनके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन हुई रिसर्च के स्टार्ट करने के बाद से, उसके बाद जितनी मेरी क्वेरीज रही है उसके साथ विद इन 24 आवर्स उसका रिस्पॉन्स आया है। तो वो मेरे पास एक ऐसी सपोर्ट थी कि वो उस फील्ड के अंदर खुद PhD कर चुका था, बाय दैट टाइम वो कंप्लीट कर चुका था, वन ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड जो है वो उसको सुपरवाइज कर रहा था। और तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कितना मुझसे आगे का ये इन्होंने सोचा होगा और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की होंगी बिफोर कमिंग अप विद दीज सॉल्यूशंस। तो एक तो वो चीज़ थी कि मुझे एक बड़ा अच्छा वैलिड वहाँ से वो एक रिस्पॉन्स मिलेगा और सेकेंडली ये कि
यहाँ पे लोकली मुझे उस तरह से जो है, ऑल्दो मेरा सुपरवाइजर था बट ही वाजंट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट फील्ड, तो मुझे वही प्रॉब्लम था कि डायरेक्ट लोकली वो सपोर्ट नहीं थी। तो इवन इफ यू हैव लोकल सपोर्ट स्टिल आई वुड सजेस्ट के आप इस तरह के जो है जब आप ये वो बन जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द लॉन्ग रन। अभी भी अगर आप बाद में भी उसके ऊपर जो है आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। सो बिल्डिंग सच इंट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोकली पाकिस्तान में पहले स्टार्ट कर लें, कराची में, लाहौर में, डिफरेंट जगहों पे लोगों को कांटेक्ट करें जो इस फील्ड के अंदर जिसमें आप कदम रख रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी विलिंग के वो अपने मॉडल्स और अपने काम जो है वो आपके साथ शेयर करें। ठीक है, सो ये कोलैबोरेशन बिल्ड करना जो है दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, और वो यहाँ से आप उस पर काम शुरू करें राइट फ्रॉम दिस कोर्स। अच्छा, अल्टरनेटिव्स टू रिसर्च, मेरे पास यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन उस पर बात करने की जो है जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने आपको छोर रास्ता यहाँ पे नहीं देना। तो कुछ जगहों पे इवन फास्ट में भी जो दूसरे कैंपसेस हैं वहाँ पे बाय कोर्स वर्क आप कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं पे प्रोजेक्ट भी है, बट यहाँ पे जो रूल्स हैं आपने उसके साथ चलना है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज ओनली डिग्री बाय रिसर्च। आपके लिए लॉन्ग रन में फायदा भी इसमें ज्यादा है। आई हैव सीन मेनी पीपल थ्रू माय लाइफ के जो कह रहे थे कि हमने एमएस करनी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीएचडी। दो साल हो जाते हैं, पांच साल हो जाते हैं, आठ साल हो जाते हैं, देन दे सी के यस, और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो इस वजह से अपने ऑप्शन जो है वो खुले रखने चाहिए। अच्छा, बाय दिस पॉइंट कोई ऐसी चीज है जो आप लोग शेयर करना चाहें? किसी के साथ इस तरह की इंटरेक्शन आपकी रही है ऑनलाइन जिसको आप एक पर्सन ना जानते हो? ठीक है, तो ये आपने अगले हफ्ते में आके फिर मुझे फीडबैक देनी है कि आपने दो तीन किन लोगों को ईमेल किया। ठीक है, तो दिस इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज योर टास्क फॉर द वीक। तो ये हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से कुछ स्लाइड्स ऊपर में, बेसिकली स्लाइड्स मेरे पास हैं वो मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वहां से चलाऊंगा जब हम कुछ ज्यादा टेक्निकल उसको पढ़ेंगे, लेकिन उतना हम उसको बोरिंग नहीं करेंगे। सो वी वुड ट्राई टू हैव लाइक एन ओपन डिस्कशन, और इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट बात करें, और साथ साथ में जो है इस तरह के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करें ताकि आप जो है बाय यू लर्न बाय एक्चुअली डूइंग दोस थिंग्स। ठीक है, एक चीज जो है वो ये है कि आपने सिस्टम के साथ लड़ना नहीं है। ये मैं आपको, अच्छा, एक दूसरा एस्पेक्ट जो है इस कोर्स का वो ये है कि मैं तकरीबन यहाँ पे दो ढाई साल हो गए कि मैं टीपीसी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना डेटा कलेक्ट हो गया कि मुझे अंदाजा है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या प्रॉब्लम्स आगे फेस कर सकते हैं, तो मैं उससे भी थोड़ा सा आपको अभी से डरा सकता हूँ। जनरली कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड क्या होता है कि जब आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं बाय पिकिंग मोर कोर्सेज इन द फर्स्ट सेमेस्टर, आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर में वार्निंग लग गई पहले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में वार्निंग को अवॉइड करना जो है दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी एक अपनी एबिलिटीज पे आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अच्छा मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, सेकेंडली जो है वो कोर्सेज एफ रह गए, अब आपने नए कोर्सेज उठाने हैं तो वो और भी आपको बहुत ज्यादा वहां पे जंप चाहिए। तो ये चीजें, और आपकी जिस वजह से आपने थीसिस वन या कोर्स सेमेस्टर वन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सेमेस्टर टू में भी मोर और लेस वही प्रॉब्लम होंगे, या फैमिली के हैं या जॉब के हैं। तो इस वजह से कोर्सेज जो है ये पिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि आप रियलिस्टिकली अपने अपना टाइम जो है वो देखें कि आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं, ताकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एफ जो है वो कम हो, और बेशक टाइम ज्यादा लगे लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ पे आपकी एक क्लीन जो है वो अप्रोच हो। सो दैट बेसिकली मींस के एवरीथिंग दैट यू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड हैव अ प्लान फॉर इट। ठीक है, नॉट अ प्लान बट अ सिस्टम अराउंड इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छा करते हैं, आपके घर में, इलाके में, मोहल्ले में अगर उस तरह का कोई काम हो तो कहते हैं कितना बंदे को काम हो, ऐसा ऐसी कोई चीज है? अच्छा,
आपकी पर्सनल कोई ऐसी, या आपने किसी को देखा हो जो किसी फील्ड किसी चीज के अंदर माहिर हो और कहते हैं कि ये इस मसले की ये फलां बंदे के पास है? अच्छा, मैं वैसे ही जरा लोकल सेटअप के अंदर वो बात करूं, घर में मोहल्ले में इस तरह से जो हमारे रूटीन के काम होते हैं। जी अच्छा, प्रॉपर्टी बेस्ड। अच्छा, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? हाँ अच्छा, गम ट्री। अच्छा ठीक है, ठीक होगा। अब आपको पता चल गया तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे इनसे बात करें ये। अच्छा, सो आपको ऑफिस वगैरह में लोग आते हैं कंसल्ट करने? अच्छा, ठीक है। तो ये तो बड़ा मतलब इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आप फेसबुक पे कभी पोस्ट किया, कभी नहीं किया कि नहीं? नहीं मतलब क्या उसका वो होता है, फेसबुक पे कभी पोस्ट किया कभी नहीं किया, इस तरह से चलता है कि नहीं? सर जी, अच्छा, फोन फोन कभी अटेंड किया, कभी एक बंदा अटेंड कर रहा है कभी दूसरा के नहीं? अच्छा अच्छा किसी और का कोई ऐसा है? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मैं बेसिकली इसी का एक वो आपको दिया था। बेसिकली देखिए, इस पूरे इस केस को डिस्कस करने का मकसद क्या था? आप जो रिसर्च करेंगे दैट इज वेरी मच लाइक एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है? और उस ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर जिस तरह की आपकी नेचर है और जिस तरह की आपकी हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी रिसर्च में भी। अगर आप अनऑर्गेनाइज हैं तो आपका काम अनऑर्गेनाइज होगा। अगर आप जो है आपको फर्क नहीं पड़ता कि चीजें जो है वो कितनी जो है उसकी जो फाइनल फिनिशिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए, तो अगर आप बाकी जैसे बाकी काम करें, मतलब कुछ पका लिया तो चलो अच्छा बना, नहीं बना लेकिन बस बना लिया, किसी और ने आपको कहा कि फला काम करके ले आओ, आप करीबी बेकरी से सामान ले आए, अच्छा था बुरा था बस ले आए, तो जो आपका नेचर इन पर्सन है वही चीज आपकी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के आप जब देखेंगे कोई चीज बंदा किसी काम के अंदर बेहतर है किसी फील्ड, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, वैसे हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कोई बंदा किसी एक काम के लिए बेहतर होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी वजह जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस विल ऑलवेज कम विद टाइम, उसकी मेन वजह ये है कि दे हैव डेवलप्ड अ सिस्टम अराउंड इट। और ये आपको पर्सनल ग्रोथ की बात है, अगर आप पर्सनली अपने अराउंड सिस्टम डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ की ये सारी एक्टिविटी सेट होंगी। इफ दैट सिस्टम इज रिलेटेड टू रिसर्च तो आपके रिसर्च भी बेहतर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उसको पर्सनल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे लिंक करूंगा कि रिसर्च जो है इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है? आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दिल भी नहीं कर रहा, फिर आपको पता भी नहीं है कि करीबी कहाँ से उससे क्या मिलेगा, तो वो रिसर्च के प्रॉब्लम तो आप वहां से वो कर सकते हैं, फिर आप एनालाइज कर रहे हैं और करंट अजम्पशंस क्या है तो उसके मुताबिक आप जो है जाके चीजें ले आते हैं। सो सेम प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे भी होगा। गलती से करने के चांसेस कब कम होंगे? जब आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आप घर से बाहर निकलेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले ही आप देख लें कि अच्छा करीबी बेकरी कितने हैं जिसको आप फिजिकली जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? फिर वहां पे आपको सब में जाना चाहिए कि नहीं? फिर तो आपका जब पहले से एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार होगा उतना जो है आप उस चीज को रिपीटेटिवली आप हर दफा जो है बेहतर चीज लेके आएंगे और हर दफा आप उस चीज पे कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये जो मैं कह रहा था कि वो बंदा उस काम के लिए मशहूर होता है, तो वो तब मशहूर होता है कि वो कंसिस्टेंटली एक चीज के ऊपर बेहतर काम कर रहा होता है।
और ये चीज जो है इट नीड्स अ सिस्टम अराउंड इट। अगर हम कहते हैं कि जी बाबर आजम जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, तो वो क्यों अच्छी बैटिंग करता है? बिकॉज वो जिस तरह से प्रैक्टिस करता होगा, या विराट कोहली बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, तो वो जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, वो जिस तरह से अपनी डाइट ख्याल करते हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस का, सो अगर वो पूरा सिस्टम उसमें से निकाल लें तो फिर क्या होगा, कभी अच्छा परफॉर्म करेंगे कभी नहीं होंगे। सो फॉर कंसिस्टेंसी यू नीड टू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम अराउंड व्हाट यू आर डूइंग। और सिस्टम बिल्ड करने का यह है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसीजर डिफाइन करें कि वो काम आप कैसे करेंगे और फिर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें। तो उससे ये होगा कि आप कभी रिलक्टेंट होंगे, कभी आप विलिंग होंगे, लेकिन एक सिस्टम जब है तो आप उसी के ऊपर हर दफा चलेंगे। आई थिंक ये हुसैन बोल्ट जो है, जो वेल नोन रनर है शॉर्ट डिस्टेंस का, कोई 5-6 दफा वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, तो उससे कहा गया कि ऑब्वियसली ही प्रैक्टिस लाइक मे बी इन डेली और जस्ट कुछ दिन की रेस्ट लेके, सो कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस कर रहा था कि आपके लिए प्रैक्टिस करना तो बड़ा आसान हो गया, लाइक यू आर द बेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, तो आप तो बस रोजाना बस उठ के सीधा रनिंग शुरू कर देते हैं। सो ही सेड के इट्स जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, समटाइम्स आई एम विलिंग टू रन, समटाइम्स आई एम नॉट विलिंग टू रन, समटाइम्स मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मुझे हैवी फील होता है, समटाइम्स मैं बड़ा एक्टिव फील करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा, जब मैं स्टार्ट लेता हूँ तब से ही मुझे बड़ा मतलब लाइट फील होता है, कभी बोन्स के अंदर पेन फील होती है, लेकिन What makes the difference between him and any other runner? के उन सारी situations में फिर भी वो उठ के वो running अपनी करता है। So that is the main reason के आपके ये सारे problems आप face करेंगे, but consistently if you have a system, तो आप consistently जाके वही काम जो है उस procedure के अंदर repeat करेंगे, and that is going to make you above average. If you are above average, तो आपको अपनी job security और इन सारी चीजों की जो है फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि anything that is average is basically a skill jiske liye bahut sari alternative replacements ho sakti hain. If that is the case, so you are easily replaceable. If you just perform 1%, 2%, 5% anything but just above average, it means ke aapki value jo hai wo badh gayi hai. To do that you need to have a system, theek hai. To ye bada zaruri hai ke अपने अराउंड जो है, जो भी आज से आप काम करेंगे रिसर्च का, तो उसके अराउंड एक सिस्टम बिल्ड करें जो आपको फॉल्टर करने से बचाए, जो आपको गलतियां करने से बचाए, ठीक है। सो सिस्टम बिल्ड करने के लिए क्या है, मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीचेस भी इस चीज के ऊपर हैं, और बेसिकली द मेन पॉइंट इज कि आप एक चीज को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, अपने स्केड्यूल से रिमूव नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली इफ इट्स अ बैड हैबिट, जब तक जो है आप उसके जो डिफरेंट क्लूज है उसको अपने रास्ते से नहीं हटा देते। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आपकी एक हैबिट है कि आप रात को बड़े देर तक जागते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, ठीक है, सो उसके लिए जो है आप कहते हैं कि नहीं बस आज से मैं 8 बजे सोऊंगा, और आपने प्लान कर लिया और ये वो आपने स्केड्यूल बना लिया, देट इजेंट इनफ। आपने रास्ते से वो चीजें हटानी है जो आपको रात को देर तक जागने में आपको हेल्प करती हैं, वो और जो आपको सोने में हेल्प करती हैं वो इन्फोर्स करनी है, और जो नहीं करती है उनको हटाना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय बिल्डिंग अ सिस्टम, ठीक है। मैं इस तरह से रियल वर्ल्ड से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ आसान हो जाए। आप रात को देर तक बैठ के लैपटॉप देखते हैं, आप लैपटॉप जो है कैंपस में किसी ड्रॉअर में छोड़ के चले जाएं, आप पूरा दिन फिर इधर उधर घूमेंगे, शाम तक थक जाएंगे, और मेजॉरिटी चांसेस है कि आप अपने जो दूसरी रूटीन की टाइम है उससे पहले सो जाएंगे, मे बी पहले दिन ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिस्टम बिल्ड करें, क्योंकि सिस्टम बिल्ड करने में एक और एडवांटेज क्या है, किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं होते, या इमीडिएट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते, आपको स्टेबल रिजल्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म पे वो काम करना पड़ेगा। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसको पता होगा, आपको महीने में, 2 महीने में, मे भी 5-6 महीने में भी कोई रिजल्ट्स नहीं नजर आएंगे, तो वो लोग जो डायरेक्ट वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इस चीज को छोड़ देना चाहिए। व्हेन यू बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट, तो बेसिकली वो ये है कि नहीं रिजल्ट्स नहीं है लेकिन आप करते जाएं, आपने रूटीन डिसाइड, अगर आपने, और ये मोटिवेशनल स्पीचेस और इसका मेन एक वो यही है नुकसान, हम आप कितने लोग ज्यादा सकते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस, सुनते भी हैं कि नहीं सुनते है? अच्छा, वो बेसिकली जो है जब आप डाउन होते हैं और आप कोई मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, यस यू कैन डू इट, और ये वो आपको मोटिवेट कर रहे थे, वो बड़े अच्छे लग रहे थे क्योंकि आप डाउन होते हैं और आपको वो चीज़ बड़ी अपीलिंग लगती है। जब आप एक्चुअली उसको करने में आते हैं और आपको वो कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग और आपको ये चीज़ नहीं हो रही, तो आप बड़ी जल्दी डिसहर्ट हो जाते हैं और आप वापस वो पुरानी स्टेट में चले जाते हैं। सो दैट इज लाइक हैविंग थायराइड्स,
आप स्ट्रेट अवे बहुत लो से बहुत हाई पे जंप कर देते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ा देते हैं, जब वो रिजल्ट्स मिलते नहीं आप वापस उस लो पे आ जाते हैं। तो इस वजह से आप जब मोटिवेशनल स्पीचेस या इस तरह से कोई भी वो देखते हैं जो आपको किसी मे भी उस एरिया का एक्सपर्ट है उसमें आपको मोटिवेट कर रहा है, तो यू शुड जस्ट ट्राई टू गेट लाइक स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको वाकई उस लेवल तक पहुंचने में हेल्प करें और फिर उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाए। ठीक है, सो हैव एन अलार्म क्लॉक जो आपको वहां पे डाल दे, गैजेट्स जो है उसको बेडरूम से बाहर कर दे, और ये सारी चीजें जब आप इस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे आप फिर भी देर तक जागेंगे, हफ्ता होगा, दो हफ्ते होंगे, और ऐसा ऐसा आप अपने जो है उस चीज के ऊपर जो है वो आ जाएंगे, एंड स्टिल यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस। तो जब आप इस तरह का सिस्टम डेवलप करेंगे सो दैट मीन्स के नाउ यू आर ऑन द ट्रैक, और ज्यादातर जो है आप पूरे साल में मोस्ट ऑफ द डेज यू वुड स्लीप ऑन टाइम, और आप जल्दी सोएंगे तो आप टाइम पे उठेंगे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम अराउंड दैट वन प्रॉब्लम, और उसमें सिस्टम को बिल्ड करने में हमने क्या किया, उसके जो सपोर्टिंग क्लूज थे उनको उस सिस्टम के अंदर डाला और जो उसके नेगेटिव थे उसको वहां से बाहर निकाला। ठीक है, सो नाउ द सेम थिंग इफ यू रिलेट टू रिसर्च। ठीक है, तो आप बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जिसमें आपको रिपीटिशन करनी पड़ेगी अनलेस यू हैव अ सिस्टम अराउंड इट। आप पेपर्स पढ़ेंगे लेकिन आपने ना उनको नोट डाउन किया ना उनके जो समरीज हैं वो लिखी, आपने पेपर्स पढ़े, आप आगे चले किसी और काम पे आप चले गए, आपने कंप्लीटली भूल गया कि आपने क्या पेपर्स पढ़े थे और आपको वो पेपर्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो जस्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक फोल्डर उस प्रॉब्लम का बनाए, और अब के बाद से जो है आप दो तीन फोल्डर्स पर उसके अंदर बनाएं के ये सारे पेपर्स हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं, ये सारे पेपर्स हैं जिसको आपने फिल्टर किया हुआ है, तो इनको सिर्फ डाउनलोड किया हुआ है पर ये फिल्टर किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट टाइटल वगैरह पढ़ के कंक्लूजन के ये वाकई रेलिवेंट है कि नहीं। उसके बाद ये पेपर्स वो हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। अगर आप इस सिस्टम के साथ जाएंगे तो आपको बहुत सारे काम जो आपको रिपीटेडली करने पड़ेंगे उससे आप बच जाएंगे और आपके पास ये सारा जो है वो इस तरह से होगा। हाँ, आप जो भी पेपर पढ़ते हैं उसकी एक समरी लिखें कि इस पेपर के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशन क्या प्रपोज किया, उस सॉल्यूशन की लिमिटेशन क्या थी, और उसने किस इवेल्युएशन मेट्रिक के ऊपर कितनी जो है वो जो प्रोग्रेस है वो शो की। ये समरी अगर आप लिखेंगे हर पेपर का, तो अब अगर आपको वो पेपर भूल भी जाए जो बड़ी फ्रीक्वेंटली होगा क्योंकि आप मुख्तलिफ काम एक साथ करेंगे, सो उससे ये होगा कि आप जब वापस आएंगे जस्ट बाय लुकिंग एट दैट समरी जो आपने खुद लिखी है आपको पूरा पेपर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो समरीज जो आपने खुद लिखी है दे विल हैव द लोएस्ट कॉग्निटिव सिमिलैरिटी स्कोर्स, आप बाद में उसको कंबाइन करके अपना लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है व्हेन यू गो विद अ सिस्टमैटिक अप्रोच और आप पहले से अपने इन चीजों को प्लान करके जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो अक्रॉस द रोड आपको यूज होंगी और आप जो है वो आपको वो जो बार बार फिटिंग आपकी डेवलप होगी उससे आपको रोकेगी क्योंकि यू हैव अ सिस्टमैटिक है और आपको बहुत सारे काम बार बार नहीं करने पड़ेंगे। इसी चीज को अगर हम कोड के साथ लिंक करें तो आप जब मॉडल बनाएंगे तो आप डेटा रीड करेंगे, आप उसको प्री प्रोसेस करेंगे, आप फीचर्स निकालेंगे, आप उसके अंदर से फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, और हम क्या करते हैं स्ट्रेट अवे गो विद हैविंग अ सिंगल फाइल अप्रोच, बस एक ही जगह पे सारी चीज लिखती है, डेटा भी रीड हो गया, इधर फीचर निकल रहे हैं, इधर मॉडल ट्रेन हो रहा है, इधर इवैल्यूएशन हो रही है, वो सारी एक ही जगह पे आ गई है। अब क्या होगा कि लेट्स से मैं कहता हूं कि नहीं यार ये फीचर जो है ये काम नहीं कर रहे ठीक से, मुझे इसको चेंज करना चाहिए, तो मैंने वो फीचर वाला कोड चेंज कर दिया। अब नीचे ये मॉडल जो है उस पे चला गया, अच्छा ये फीचर जो है ये इस मॉडल के साथ ठीक काम नहीं कर रहे, इसके साथ दूसरा मॉडल देखते हैं, तो अब मुझे मॉडल चाहिए, अब इस मॉडल के साथ वो पहले वाला फीचर शायद पे बेहतर काम कर रहा था। तो अगर आप इस तरह की कोडिंग अप्रोच के साथ जाएंगे तो दैट वुड मीन कि आपको बहुत सारी चीजें कोड एंड रिकोड करनी पड़ेगी। अगर आपने एक सेपरेट फाइल बनाई कि जिसके अंदर आप सिर्फ फीचर्स निकाल रहे हैं और आपने प्रॉपर उसके अंदर फंक्शन निकाले कि ये इस तरह से ये फंक्शन फीचर निकालेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो अब आप उसको कॉल करेंगे कि अच्छा ये वाले फीचर्स निकाल के इस मॉडल पे अप्लाई करो, ये नहीं काम कर रहे वो दूसरा फंक्शन कॉल करके करो, मॉडल्स के अलग से दो तीन ट्रेनिंग के वो रख लो, प्री प्रोसेसिंग के अलग कर लो। अब आपके पास जस्ट बाय changing the sequence of calling those functions, आपके पास आप एक ही वक्त में 10 models को 20 different features के ऊपर train कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, so that is just an approach to go with the code, to address the code with that same systematic way। आप उसके अंदर जो है जो जितना आप उसको
ये सारा एक पैटर्न जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उतना आपको हेल्प करेगा। अगर आप कमेंट्स से रिलेटेड तरह से देख लें, डेटा सेट जो है वो आपने कहाँ से लिया हुआ है, तो जितना आप इन टाइम इन चीजों को एड्रेस करेंगे उतना इन द लॉन्ग रन जो है इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। अच्छा, एक और चीज जो है, दैट इज वी ऑल आर गिवन अ सिस्टम, ठीक है, और आपने उस सिस्टम के अंदर रह के काम करना है। तो सिस्टम के अंदर जो रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे, जस्ट कंसीडर देम एज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। उसको अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, ये सारे परफेक्ट रूल्स नहीं है लेकिन उनको चेंज होने में टाइम लगेगा, और बाय दैट टाइम शायद आप यहाँ पे स्टूडेंट ना हो। तो इस वजह से जो भी आपको सिस्टम दिया गया है कि मिनिमम जीपीए फॉर थीसिस 2 फॉर थीसिस 1 जो है वो 2.5 होनी चाहिए, वार्निंग नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर रहते हुए आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो हर जगह पे आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे कुछ रूल्स जो है वो आपको अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे। आपको शायद ये लगे कि यार ये दिन बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, रात जल्दी आ जाती है, ये 24 घंटे की बजाय ये 26-28 घंटे होना चाहिए था, वो आपको ओपिनियन है लेकिन उसके उससे कुछ होगा नहीं। तो इसी तरह से आप इस सेटअप के अंदर भी, आपको पेशावर में यूनिवर्सिटी बेहतर नहीं लग रही लेकिन एडमिशन लिया है, अब आपने ये 2 साल यहीं पे गुजारने हैं। सो इस वजह से अपने जो भी इस तरह के सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अपने स्कोप के उसके अंदर रहते हुए जो है देखें कि आपके पास पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, एट दिस स्टेज आई वुड सजेस्ट कि जो मैं सिस्टम बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ, कम से कम आप 2 चीज़ों के अराउंड सिस्टम लाजमी बिल्ड करें, कोडिंग और सिस्टमेटिक तरीके से टेस्टिंग, कि आप पहले से टेस्ट केसेस लिखें ताकि आपको बार बार वो ना रिप्रोड्यूस करना पड़े, आपके टेस्ट केसेस लिखे हुए हों और आप एक ही बारी में उसको रन कर सकें, ठीक है। तो वो सारे तो बात की बातें हैं। अभी मैं आपको चाहूँगा कि आप 2 चीज़ों के अराउंड सिस्टम बिल्ड करें, 1 फोकस, 2 रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप हो गई है एट दिस स्टेज, यू शुडंट वरी अबाउट नॉट नोइंग एनीथिंग, बिकॉज इफ यू नॉट नो इट एट सम पॉइंट यू विल नो इट, ठीक है। सो कोई भी चीज जो आपको नहीं आती वो अब आपको इतनी परेशान नहीं करेगी, इफ यू जस्ट डेवलप दिस वन हैबिट ऑफ रीडिंग। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज के साथ कितना रेलिवेंट है, उससे डिपेंड करते हैं कि आप उसको हफ्ते में सीखते हैं, महीने में सीखते हैं, 2 महीने में सीखते हैं, लेकिन आप उस चीज को सीख जाएंगे इफ यू जस्ट डेवलप दिस वन हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग जो है इसको, और रीडिंग ऐसी चीज है कि जो आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी में होनी चाहिए। तो वो सिस्टम के ऊपर जो मैंने इतनी तमहीद बांधी है उसको यूज करते हुए आप अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है रीडिंग को एक हिस्सा बनाए, ठीक है। जनरली अभी तो आप माशाल्लाह काफी मैच्योर हैं, इससे पहले अगर आपने किसी बच्चे के अंदर रीडिंग की हैबिट डालनी है, सो यू वुड गिव देम स्टोरीज जो उनको उनके इंटरेस्ट को अपील करें कि वो जस्ट वो रीडिंग की हैबिट बने, उसके बाद वो स्टोरीज नहीं रीड करेंगे, वो और चीजों के ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगे, लेकिन ये हैबिट बिल्ड करना बड़ा जरूरी है। आप लोग जो है आपने रिसर्च पेपर जो है वो रीड करने हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको समझ नहीं आएगी लेकिन आपने रीड करना है, ठीक है। तो अभी से आप डिसाइड कर लें कि आपने दिन में एक पेपर रीड करना है, आपने 2 दिन में करना है, मे बी हफ्ते, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2-3 आपके होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीन से नहीं रीड कर सकते, प्रिंट ले लें, गाड़ी में बैठे हुए, बस में, कहीं पे दोस्तों के साथ बैठे हुए, कोई चला गया है, आप उस टाइम पे एक प्रिंट कॉपी अपने पास, पेपर की प्रिंट कॉपी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप मोड़ के जेब में डाल दें, तो ये आपके पास हर वक्त होने चाहिए, आपके जो भी 10-15 मिनट ब्रेक्स आते हैं एटलीस्ट उसमें भी पढ़ें और एक डेडिकेटेड रीडिंग का टाइम भी। तो इसको आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंश्योर करें। सेकंड चीज़ ये है कि आप जब पेपर्स रीड करेंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी और आपने उसको समझना भी नहीं है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपको ये लाइन ये वर्ड नहीं समझ आया तो आपने उस पर जाके सर्च किया, फिर उसमें कुछ और चीज़ की नहीं समझ आई, उस टेक्निक की नहीं समझ आई, उसके अंदर कुछ और चीज़ थी, वो अभी आप नहीं करेंगे। आप पढ़ते जाएं, जिस चीज़ की नहीं समझ आती उसको उसको इग्नोर करते जाएं, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपके आपको समझ तो नहीं आ रही लेकिन आपके माइंड में वो वर्ड्स पढ़ते जाएंगे। आपने दूसरा पेपर पढ़ा, तीसरा पढ़ा, उसमें भी आपको लेट से 5% इनिशियली समझ आती है, 5% आती है, 95% नहीं आती। आपने अगले पेपर में भी 5% समझ आई लेकिन वो पेपर चूंकि रिलेटेड एरिया का था, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझे समझ नहीं आई थी, ये तो उस पेपर में भी था,
समझ अभी भी नहीं आई, लेकिन आपको पता चल गया कि ये वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी आ गया, तीसरी पेपर में फिर आएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट जमा हो रहे हैं कि वहां पे ये वर्ड इस जगह पे आया था, यहाँ पे इस जगह पे आया था, उसके अराउंड स्टोरी बढ़ती जाएगी। बेसिकली हम कब चीजों को बेहतर समझते हैं, जब उसके सराउंडिंग सारी चीज हमें क्लियर हो, फिर हमें उस चीज की समझ आती है। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन आपको लिख दूं, x प्लस 3y प्लस 5z प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 10, इस पूरी इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू निकाल के दे, y की वैल्यू निकाल के दे, z की, आपको कोई भी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अननोन ज्यादा है। जब अननोन ज्यादा हो तो आपको नोन जो है वो क्लियर नहीं होगा। सो ट्राई टू बिल्ड द नोन अराउंड द अननोन। जब वो उसके बिल्ड नोन का दायरा बन जाएगा, वो अननोन खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज के बारे में। तो ये आपके उसके अराउंडिंग की सराउंडिंग की वोकैबुलरी आपके पास जमा होती जा रही है, जब आप बगैर समझे उसको पढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको पता चलेगा अच्छा ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अब जितना आप उसको वो फ्यूचर में और पढ़ते जाएंगे, उसकी जो समझ है वो आपको बेहतर होती जाएगी। आपको एग्जैक्ट एल्गोरिथम का नहीं पता कि ये किस चीज की बात कर रहा है, ये एग्जैक्ट वर्किंग इसकी क्या है, आपको इतना पता चल जाएगा कि ये इसको मसला क्या आप पास करेंगे और ये किस तरह का सोल्यूशन देगा, उसका वो ब्लैक बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ब्लैक बॉक्स अंडरस्टैंडिंग आपको फिर आती जाएगी जब आप उस चीज को बार बार डिफरेंट पेपर्स में पढ़ते जाएंगे। और वो आपके लिए काफी है कि ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है इसको मैं क्या दूंगा तो ये मुझे क्या देगा, दैट इज सफिशिएंट। और इस तरह से अब आपकी जो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। और एट अ पॉइंट वेयर यू नो मोस्ट थिंग्स इन अ पेपर, और कम चीजें ऐसी हैं जिसकी आपको समझ नहीं आती, देन आई विल एनकरेज यू कि अब आप उसको एक्सप्लोर करें और आप सर्च करें और उसको और पेपर्स में ढूंढें और उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखें कि ये वो किस चीज के ऊपर था। अगर आप ये काम पहले करेंगे अर्लियर स्टेजेस पे, तो आप प्लॉट लूज कर जाएंगे। पढ़ना क्या था, आप उतने लेवल जाके चले जाएंगे कि आप कभी उस पहले पेपर को खत्म ही नहीं कर पाएंगे। So by the time you have good understanding, और अब आपको 70% चीजों की समझ आ रही है, 60% आ रही है, ज्यादा आ रही है कम की नहीं समझ आ रही, अब उस पेपर को छोड़ के साइड पर जाकर उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लोर करें और फिर वापस पेपर पे आए, ठीक है। तो अब आपके पास जो अब आपका जो स्पीड होगी उस एरिया को समझने की वो तेज होती जाएगी। आप जब रिसर्च पेपर पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी के अंदर, आपको बहुत सारे मैथ के इक्वेशंस नजर आएंगे और फिर उनके अंदर ऐसे ऐसे सिंबल्स होंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। उन सारों को देख के परेशान होने की जरूरत इसके नहीं है कि उन सारे मॉडल्स को समझने की आपको जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस वो ब्लैक बॉक्स आपके लिए काफी है। ये कोई लाइब्रेरी का फंक्शन है जिसको आपने कॉल किया, ये आपने इसको इनपुट दिया, आपने आउटपुट दिया और आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू कि ये मॉडल एग्जैक्टली क्या कर रहा है, फीचर्स को कम कर रहा है, किस पेस पे कर रहा है, अच्छा ये कोई डिस्टेंस मेट्रिक है उसके ऊपर कर रहा है, That is sufficient, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होंगे, उन सारे स्टेजेस की हर चीज को आप इनोवेट नहीं करेंगे। आपने फीचर अपने प्री प्रोसेसिंग की, प्री प्रोसेसिंग के लिए ऑलरेडी जिन्होंने काम किया हुआ है वो आप यूज कर रहे हैं, उसको इन डेप्थ समझने की आपकी जरूरत नहीं है, आप उसको जस्ट यूज कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं जो ऑलरेडी काम है उसको यूज करें, इतनी इन डेप्थ समझने की जरूरत नहीं है। वो जो ओवरव्यू है दैट इज सफिशियंट। उसके बाद जहां पे आपकी मेन कंट्रीब्यूशन आ रही है, जो अब बहुत स्पेसिफिक काम है, उसके अंदर जितने मैथमेटिकल मॉडल्स लोगों ने दिए हैं उसके अंदर जो कमी है और उसके अंदर जो आप तो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर ला ही नहीं सकते जब तक आपको एग्जैक्ट वर्किंग का पता ना हो। सो जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग उसके अंदर फिर आपको इन डेप्थ जाके वो सारी मैथमेटिकल मॉडल्स को समझना है, उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना है और फिर मैं भी आपको नया वेरिएबल डालें या कुछ इसके अंदर ऐसा करें कि उससे वो चीज़ जो है वो So that particular thing जो है उसकी mathematical models और working वहाँ पे आपको ज्यादा time लगाना है और वहाँ पे उसको detail में समझना है जो art the state of the art papers है और उनके जो mathematical models हैं, और फिर वहाँ से आपने उसी equations को rewrite करके उनके अंदर कुछ ऐसा नया parameter कोई नई change लेके आनी जिससे वो results बेहतर हो जाए। तो इस वजह से हर paper के अंदर वो जो सारा methodology और वो सारे काम है ना वो आप समझ सकते हैं ना वो आपके समझने के लिए है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ पेपर आ रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसके साथ कॉप अप करें, ठीक है। सो रीडिंग की ये हैबिट जो है इसको इस तरह से डेवलप करें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप बगैर समझे पेपर रीड करते जाएं, और उसके बाद और इसमें जब आप बगैर समझे पेपर रीड करेंगे तो इसमें एक रिपीटिशन को भी डाल दें कि आपने ये पेपर पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठा पढ़ा, छह के बाद पुराने पांच छह में से कोई एक पेपर दोबारा पढ़े, एंड यू विल गारंटीड know it better than you when you read it for the first time. आपने कोई extra help नहीं ली, सिर्फ paper पढ़ते जा रहे हैं जो नहीं समझ आ रहे, फिर आप वापस उस paper पे आ गए जो आपको पहले 5% समझ आ रहा था, अब आप पढ़ेंगे आपको 10% समझ आ रहा है। Just वो उसके surrounding वो जो words हैं वो आपके mind में वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।
सो अर्लियर स्टेजेस पे आप पेपर्स को री रीड करने की जो है उसको भी एक ग्रुप के अंदर डालेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसको दोबारा रैंडमली पिक करके दोबारा पढ़ें, दूसरी बार, तीसरी बार में भी, चौथी बार, जितना आप आगे जाएंगे उतना ये चीज कम होती जाएगी। अच्छा, रीडिंग के साथ मैंने रीडिंग को फोकस को रीडिंग से अलग इसलिए रखा हुआ है बिकॉज मैं ये कह सकता था कि रीडिंग विद फोकस, लेकिन फोकस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इस चीज की कमी है। ठीक है, ये जो स्मार्टफोन्स हैं जो लोग हाथ में लेके लेक्चर के दौरान देख रहे होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फोकस पे फर्क पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक एक बिल्कुल जो है एडिक्शन इस चीज की हो गई है कि बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली जो है ये मैसेज आ गए, ये आ गया, इस चीज पे उन डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। हमारी जनरेशन इतनी नहीं होती क्योंकि बाय द टाइम वी बॉट फोन, बल्कि स्मार्टफोन तो थे भी नहीं, वो तो कभी लोग कॉल भी बड़े कम करते थे, घर में हफ्ते में एक दफा कॉल आती थी घर से, तो वो डिस्ट्रैक्शन हमारी इतनी, अब बाद में हम इतने मेच्योर हो गए थे कि हमारे वो नेचर के अंदर वो चीज नहीं आ रही, जो जरा अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं उनको ज्यादा ये चीज के साथ वो बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये मुश्किल होता है। आइदर पुट योर फोन, जब आप ये रीडिंग कर रहे होते हैं तो फोन को साइलेंट पे कर दें। मेरे पास अक्सर फोन होता ही नहीं है, ऑफिस में पड़ा होता है या घर पे किसी टेबल पे पड़ा होता है, कहीं वहां से गुजर रहा हूँ तो उठा के देख लेता, किसी का फोन आया तो उसको कॉल बैक कर लिया, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो इन डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट अगर आप बाकी दिन के अंदर नहीं कर सकते तो वो टाइम जो आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि आप दिन में एक टाइम रीडिंग के लिए करें, एटलीस्ट उस टाइम के लिए आप इन सारी चीजों को अलग करें। ठीक है, कोई इमरजेंसी होगी तो आपको लोग किसी और तरह से अप्रोच कर लेंगे, अदरवाइज आपने उस रीडिंग के टाइम पे जो है इस तरह की सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है उसको अपने एनवायरनमेंट से बाहर लेके आना है, और ये फिर एक हैबिट बनाए कि उस पर्टिकुलर पर आप कोड करेंगे, कोडिंग में भी जितनी आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी, हम यहाँ पे ये मल्टीपल टैब्स में एक जगह पे काम कर रहे हैं, उधर कुछ और भी खोला हुआ है, कुछ और भी खोला हुआ, ये सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, ट्राई टू लिमिट डिस्ट्रैक्शन बाय अगेन बिल्डिंग द सिस्टम अराउंड थिंग्स, कि अभी आप काम कर रहे हैं तो ये चीजें बंद होंगी, ये स्टार्ट टाइम है और ये इसके अंदर आप इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, और ये सारी चीजें करने के लिए जब आप सिस्टम बिल्ड करेंगे, सो द नेक्स्ट थिंग इज टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि आप उस सिस्टम को फॉलो करना है, उसके साथ इन ऑल सिचुएशन, जैसे हमने बात की के कभी आप मोटिवेट होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आपने उसको फॉलो करना है, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, आपने बहुत अपने ऊपर जबर करना है वो काम करने के लिए। 100% रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप हर दफा उसको फॉलो करें, वो कुछ लोग बड़े फखर से बताते हैं कि मैंने पिछले 5 साल में कभी ये ऐसे नहीं किया। अगर वो एक चीज आपको नुकसान दे रही है, बार दफा वाकई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको अपनी रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं, वो ठीक है, बट यू शुड हैव योर schedule like 90-95% of the time, ठीक है, तो उसको 100% पे वो perfection को ना कोशिश करें, but हर उस situation के लिए उसमें time निकालें, 90% of the time you should be on your system. उसकी वजह ये है कि अभी last semester में in thesis one we saw के लोग कह रहे थे कि मेरे family में parents बीमार हैं, ये है, और मैं उनको यही कह रहा था कि अच्छा हाँ वाकई आपका time तो उनके साथ तो ज़्यादा लगता होगा, doctor और ये सारा दवाइयाँ वगैरह उनको देने में, बट कोशिश करें कि आप किस तरह से किसी और चीज का टाइम बचा के अपना यहाँ पे दे सकते हैं, टाइम को कम कर देंगे इन मसलों की वजह से, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते इस स्टेज पे कि आप अपने पेरेंट्स को हालत में छोड़ दें, लेकिन कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें, टाइम को कम कर लें, किसी और वक्त पे कर लें, इसको कम्प्लीटली जो ये आपके जो एकेडमिक एफर्ट्स हैं इसको कम्प्लीटली इग्नोर ना करें कि ये ठीक हो जाएंगे और फिर मैं सारा टाइम काम करूंगा, आपके मसले कभी खत्म नहीं होंगे, आपके मसलों की नेचर थोड़ी सी चेंज होगी और इस स्टेज पे अब आप जितने आगे जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे बढ़ती जाएंगी, तो आप ये ना सोचें कि अभी तो ये मसला है ये हल होगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इस धोखे में ना रहें कि आप फिर सारा टाइम सिर्फ पढ़ेंगे और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो कंसिस्टेंटली टाइम मेंटेन करें, जिस तरह की भी सिचुएशन है आगे पीछे करें उसको कम करें, लेकिन वीकली बेसिस पे आपके पास प्रोग्रेस जो है वो अपने काम के अंदर होनी चाहिए। अगर आप पूरे हफ्ते के अंदर टाइम नहीं निकाल पाते तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस वजह से हमेशा जो स्केड्यूल लोग बनाते हैं, एक तो डेली रूटीन की बात होगी, लेकिन जब आप प्रोग्रेस करने के लिए कोई चीज बनाते हैं तो डिसिप्लिन वाइज जो चीजें हैं दे आर जनरली डिजाइंड ऑन वीकली बेसिस। उसकी वजह यह है कि हमारे रूटीन के अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क है जो हम डेली
के अंदर फिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से यू शुड ऑलवेज प्लान फॉर अ वीक। ठीक है, उसकी वजह यह है कि स्टीफन कोवी की दो तीन बुक्स भी है इस चीज के ऊपर। So according to him, anything you should do can be part of these four quadrants. Some measure is true. I can be checking me all of you and not on the other side. If it is on the quadrant six, the occupied activity is there to like it. Not until you not report any quadrant before selling it. Are you getting any important? आपके घर से कौन बोल रहे हैं? सुनने जरूरी है, लेकिन उसको ना समझे आपको ऐसा दोस्त नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको नुकसान हो सकता है। आप उठाए हैं, आप गाँव जा रहे हो, या इंसान के पास जा रहे हो, किसी दिन के बच्चे को जाने के लिए, ठीक है? सो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इन
एक ही चीज के ऊपर आप अपने आपको जो है वो फर्दर ग्रो कर, जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में पीछे हो। पाइथन नहीं आती तो पाइथन बेसिक सीखे, फिर पाइथन के अंदर अगले हफ्ते में लूप सीखे, अगले हफ्ते में क्लासेस सीखे, अगले हफ्ते में पाइथन के साथ डेटा प्रोसेस करना सीखे। सो दे कैन बी इन अ सीक्वेंस।
लेकिन हर हफ्ते एक ऐसी नई चीज हो जो पहले से आपके प्लान का हिस्सा ना हो. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट यू टू हैव कि आप ये फिर मेरे साथ शेयर करें कि फॉर रिसर्च पर्सपेक्टिव जिसके अंदर ये तीन सेमेस्टर आएंगे, आई वुड वांट यू टू हैव अ सिस्टम फॉर कंडक्टिंग रिसर्च जो हम इस सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे. ये थीसिस वन थीसिस टू इन तीन के लिए आपके पास एक सिस्टम तैयार हो कि इस थीसिस रिसर्च के प्रोसेस के दौरान जितने भी स्टेप्स हैं आप पहले उसके सिस्टम डेवलप करें उसके अराउंड ये काम आप कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे और फिर उसके बाद उसको उसको एक्चुअली जो है उस पर अप्लाई करें. ठीक है जी. अच्छा हमारी इस कोर्स के दौरान जो डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी उसमें हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे. मैं आपको कुछ पेपर्स पढ़ने के लिए भी यहाँ पे दूंगा, कुछ आपको राइटिंग टास्क जो है वो यहाँ पे मिलेंगे. तो वो ये होगा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम एक इवेल्युएशन का एक प्रोसेस या एक फीडबैक का वो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो जाए कि वो चीज़ जो है आपकी एक जो प्रोसेस है एक इम्प्रूवमेंट का वो चलना शुरू हो जाए. तो रीडिंग और राइटिंग के टास्क जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे. और हमारा इस कोर्स का मेन गोल क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू हैव अ सिस्टमेटिक लिटरेचर सर्वे ऑफ अ फील्ड. ठीक है, तो वो आपने इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई करना है इसी दौरान और फिर उसमें से आपने कुछ पेपर्स बेस पढ़ने हैं जो लोगों ने उसके अंदर काम किया है और उस पूरी चीज को एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के तौर पे लिखना है जिस तरह से लोग प्रपोजल्स में या उसमें लिटरेचर सर्वे लिखते हैं. ठीक है, सो वो हमारा राइटिंग और रीडिंग के छोटे टास्क होंगे और वो हमारा गोल है टू हैव अ सिस्टमेटिक लिटरेचर सर्वे ऑफ एटलीस्ट 20 पेजेस. ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अच्छा अराउंड दिस एक चीज जो है दैट इज एथिक्स, उसका हमेशा ख्याल रखें. ठीक है, कुछ एथिक्स के ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए रूल्स डिफाइंड है और उसके लिए पेनल्टीज डिफाइंड है, कुछ ऐसी हैं जिसके लिए डिफाइंड नहीं है और वो आप अपने लेवल पे उसका ख्याल रख सकते हैं. सो जो पहली चीज जो है दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इज प्लेजरिज्म. ठीक है, अभी से इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो उसके लिए तो ऑलरेडी डिफाइंड रूल्स हैं, वो आपसे लाजमी करवाया जाएगा, आप नहीं भी करेंगे तो बाद में करवाया जाएगा. सो अभी से खुद से लिखने की जो है हैबिट उसको उसको स्ट्रेंथन करें. फिर बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं कि अगर आप किसी का डेटा सेट यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर आप जो है क्रेडिट दें उस चीज का. आप किसी का इमेज अपने काम के अंदर यूज कर रहे हैं फिर वो आपके इंटेक्स साइटेशंस के अंदर उसको मेंशन होना चाहिए, कहीं से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, आप अपनी वर्डिंग में ले रहे हैं लेकिन वो काम वहां पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है. सो यू शुड हैव प्रॉपर इंटेक्स साइटेशंस. और ये चीजें जो है इसको जो एथिक्स इसके अराउंड और भी चीजें हैं, समटाइम्स पीपल मेंशन एक्नॉलेजमेंट्स इन देयर वर्क. ठीक है, तो वो वहां पे किस किस को आप क्या क्रेडिट देंगे. तो बेसिकली मकसद ये है कि जो प्रॉपर तरीका है काम करने का उसके साथ जाए और जिसको जहाँ पे क्रेडिट बनता है उसको वो दें ताकि इन द लॉन्ग रन इट्स अनदर गुड थिंग कि आपकी एक हैबिट इस तरह की बन जाए कि जो आपको बाद में कोई इस तरह के प्रॉब्लम से बचा ले. जिनके रियल रूल्स डिफाइंड नहीं है आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब चल जाएगा तो आप उसी तरह से काम चलाएंगे और बाद में किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम आ जाए. सो अच्छा ये है कि अभी से जो गुड प्रैक्टिस हैं उन्हीं के साथ हम जाए. अच्छा I'll just conclude with a few points. एक तो ये कि अपने ऑडियंस का हमेशा जो है ख्याल रखें, have them in mind before your like maybe verbal presentation or your written content. ठीक है, कि आपकी ऑडियंस क्या है. अगर हम रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप क्या करेंगे, या आप अपना काम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, या आप रिटन फॉर्म में कहीं पे रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे. तो अगर हम प्रेजेंटेशन को देखें तो आप कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, आप अपने फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करेंगे या किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करेंगे. सो जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडियंस. एक वो के जो जनरल ऑडियंस है जिसको उस फील्ड का नहीं पता, वो लोग भी आके बैठे होंगे. एक वो के जिनको बेसिक आइडिया है उस फील्ड का और एक वो जो इन डेप्थ पर्टिकुलर उस चीज को समझ. सो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनमें से किसी एक के ऊपर फोकस करे. ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि जो स्ट्रेट अवे बहुत टेक्निकल डिटेल्स में चली जाती है तो आपने पहले दो को तो पहली स्टेप पे बाहर कर दिया है. ठीक है,
ठीक है। अगर आप टेक्निकल चीजों की तरफ जाते ही नहीं है तो वो लोग जो उस फील्ड को समझ रहे हैं और वो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और आपने अचानक जो है वो सस्पेंस फिल्म की तरह उधर चीज रोक दी है, तो वो चाहेंगे कि उनको कुछ हायर लेवल का कुछ वो चीज मिल जाए। सो उसको ठीक तरीके से मैनेज करना है कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद हैविंग रिप्रेजेंट योर थिंग इन द बेसिक्स मोस्ट वर्ड्स, कि किस तरह से आप लेमेन टर्म्स के लिए टर्म्स में आम आदमी को समझा सकते हैं, देन थोड़ा सा उसके अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं, देन फाइनली कम टू द स्पेसिफिक इक्वेशंस एंड एल्गोरिथम जो उसके लिए स्पेसिफिक है। तो अब तीनों के लिए जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का उनका होना चाहिए। जब आप राइटअप के फॉर्म में अपने काम को सबमिट करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट इट मस्ट बाईपास इज रिव्यूअर्स। तो आप लिखेंगे ही रिव्यूअर के माइंडसेट के साथ कि एक रिव्यूअर को क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर आपका प्रपोजल वो रिव्यू के प्रोसेस से आगे नहीं जाता तो इट मींस के इट्स रिजेक्टेड एंड इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी नॉन रिपोजिटरी, तो दैट मींस के वो कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ आपका काम। सो सबसे पहली चीज जो है दैट इज टू बाईपास रिव्यूअर्स, और बाईपास को रिव्यूअर्स को बाईपास करने के लिए उनको जो चाहिए वो चीज आप माइंड में रख के उसको पहले से लिखें, ठीक है। सो इन राइट अप, और अगेन फिर जब आपका उनसे रिव्यूअर से बाईपास हो जाए और वो एक पब्लिश्ड मटेरियल के फॉर्म पे आ जाए, सो स्टिल इट शुड हैव ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स जो राइट अप के अंदर है, जो हमने अभी वर्बल के लिए डिस्कस की वही हो, लेकिन आपने बीच में वो चीजें भी डाली हो जो एक रिव्यूअर को चाहिए, ठीक है। तो रिव्यूअर को बेसिकली क्या चीज चाहिए कि आपने लिटरेचर को कितना इनडेप्थ स्टडी किया हुआ है, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे उसका ओवरव्यू कर रहे हैं। कितने डिटेल में लिटरेचर को आपने स्टडी किया हुआ है, आपने लेटेस्ट लिटरेचर को कितना उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, आप जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो उसके साथ कितना मिलता है, आपकी जो रिजल्ट्स हैं जो मेथोडोलॉजी है उसकी रेशनल वो बन रही है कि नहीं, रिजल्ट्स जो है वो सेंस बना रहे हैं कि नहीं, आपने अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया है कि नहीं। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अक्सर लोग जब बेहतर रिजल्ट्स आ जाते हैं दे थिंक इट इज सफिशिएंट और वो रिजल्ट्स कहते हैं कि अच्छा ये 93% एक्यूरेसी थी हमारी 94 आ गई है, वो अगेन लीव्स अ बिग वॉइड इन योर वर्क के ये कैसे ये रिजल्ट्स आ गए, ऐसे तो लग रहा है कि ये शायद बाय चांस आ गए, ठीक है। तो जो डिस्कशन का पार्ट होता है रिसर्च पेपर के अंदर, कहीं पे उन्होंने अलग से हेडिंग दी होती है, कहीं पे रिजल्ट्स दे के वहीं पे वो एक डिस्कशन होती है कि नाउ यू हैव टू जस्टिफाई योर रिजल्ट्स कि क्यों ये रिजल्ट्स बेहतर आ गए, ऐसा आपने जो नई चेंज की उससे ऐसा क्या चेंज इफेक्ट आ गया कि जिससे ये रिजल्ट्स बेहतर हो गए। सो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग दैट रिव्यूअर एक्चुअली लुक्स इनटू कि आपने काम प्रॉब्लम भी सही आइडेंटिफाई किया, लिटरेचर के साथ लिंक किया हुआ है, द मेथोडोलॉजी मेक्स सेंस, द रिजल्ट्स आर गुड एंड यू नो हाउ द रिजल्ट्स वर्क, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू हेल्प इन गेटिंग योर वर्क थ्रू रिव्यूअर्स और एटलीस्ट गेटिंग गुड फीडबैक, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू ना भी हो लेकिन अगर आपका कोई माइनर रिव्यू आ जाते हैं तो दैट इज स्टिल क्वाइट पॉजिटिव। अच्छा, व्हेन यू डू रिसर्च बेसिकली आप दो डायमेंशन में काम कर सकते हैं, वन इज व्हाट वी कॉल बेसिक रिसर्च एंड द अदर इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। मैं वो बाकी सारे रिसर्च के जो फील्ड्स हैं उसको मैं अलग कर रहा हूँ, उसको मैं हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे क्वालिटेटिव के अंदर कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और ये इस तरह से why के प्रॉब्लम को एड्रेस करिए और ये what के प्रॉब्लम को एड्रेस करिए, बिकॉज देट इजंट आवर कंसर्न इन कंप्यूटर साइंस। हम जब रिसर्च करते हैं कंप्यूटर साइंस में तो देट इज आइदर बेसिक और अप्लाइड, ठीक है। बेसिक में क्या होता है, आप बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया है और वो कहीं पे भी जाके अप्लाई हो सकता है। फॉर दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी हैव स्टडीड मशीन लर्निंग, तो आपने देखा कि नैव बेस का एल्गोरिथम किसी ने कब प्रपोज किया, वह भी 200-300 साल पहले किया, नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम कब प्रपोज किया, और हम अभी तक उसको यूज कर रहे हैं और इमेजेस में भी यूज कर रहे हैं और टेक्स्ट में भी यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई एल्गोरिथम जो है वो लेके आते हैं तो दैट मींस वी कॉल इट बेसिक रिसर्च ऑफ दैट फील्ड, और वो बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपेंड करता है और उसके अंदर एक ऐसी चीज एड हो गई जो आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की बेसिक रिसर्च जो है कंप्यूटर साइंस में आप नहीं करेंगे, या बेसिक रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, बट बेसिक रिसर्च आपको इंतहाई कम मिलेगी। उसकी वजह यह है कि बेसिक रिसर्च में अगर 100 लोग काम करते हैं तो शायद एक को कोई रीजनेबल चीज मिल जाए, कोई चीज प्रोड्यूस हो जाए, बाकी 99 फेल हो जाएंगे।
अगर आप कहते हैं कि नहीं CNN भी अच्छा नहीं है, LSTM भी अच्छा नहीं है, ये सारे जो है मैं एक अपना डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर लेके आऊंगा और वो इस तरह से काम करेगा, 95% ऑफ द चांसेस आर के आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि लोग उस तरफ इतना नहीं जाते, उसके तरफ एज ए स्टूडेंट तो कभी भी नहीं जाते, वो सीनियर प्रोफेसर जाते हैं कि वो अगर एक प्रॉब्लम के ऊपर 15 साल भी लगाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं है और शायद वो दूसरे प्रॉब्लम्स पे पेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर वो शायद एंड पे 15 साल लगा के कुछ भी ना निकले तो स्टिल वो काम चल जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट, आप लिखें कि मैंने ये 50 तरीके ट्राई किए नए डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के, इन सब में से किसी ने भी काम नहीं किया, कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं, और आप उसी को अपने थीसिस में लिख के उसी पे काम खत्म करें। वो कुछ लोगों पे जगहों पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे नहीं है। वो भी बड़ी अच्छी रिसर्च इस तरह से है कि कोई और जब नए अपना आर्किटेक्चर लेके वो उन 50 को छोड़ के कुछ नया ट्राई करेंगे, सो नेगेटिव रिजल्ट्स आर स्टिल वेरी गुड और लोग उसको पब्लिश करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, अगर आप कामयाब नहीं हुए आपको छोड़ेंगे नहीं कोई, तो इस वजह से हम टू बी ऑन द सेफ साइड हम बेसिक रिसर्च की तरफ नहीं जाते, ऑलवेज गो टुवर्ड्स अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इस तरह की कोई चीज है और हम सिर्फ उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं तो उससे वो मसला तो हल हो गया, लेकिन इन द बिग पिक्चर कोई वो जगह हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आप बेसिक रिसर्च के अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस, जो आप इस तरह से काम करते हैं वो बड़ा स्पेसिफिक होके होते हैं और उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा। तो अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल क्या होंगी, थोड़ा सा और उसको स्पेसिफिक करके अब्दुल्ला। हाँ जी, हाँ, तो उससे ये होगा कि आपने जब वो सारी चीजें स्पेसिफिक कर दी हैं तो अब क्या होगा कि आपके पास वो सारे स्टेप्स होंगे जो लिटरेचर के अंदर लोगों ने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस क्यों बेहतर है, क्योंकि आप मे भी कोई अपनी टेक्निक ना लेके आए लेकिन उस पाइपलाइन के अंदर आपने एक नई चीज ऐसी इंट्रोड्यूस की। मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस प्रॉब्लम के लिए किसी ने नहीं ट्राई की, वो नई नहीं है, वो किसी और प्रॉब्लम के लिए लोगों ने पहले से इंट्रोड्यूस की हुई है, आपने यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे अप्लाई किया और आपके रिजल्ट्स उससे बेहतर हो गए, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल इन अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि जो मसला था वो आपने हल कर दिया, किस तरह से किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें ये चीज भी जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ फ्रेमवर्क बेस्ड रिसर्च, कि वो पूरी फ्रेमवर्क जो थी कि ये प्री प्रोसेसिंग हुई, फीचर निकले, पर ये हुआ, पर ये हुआ, पर ये हुआ, यहाँ पे ये पूरी विंडो जो थी आपने बीच में नई एक ऐसी चीज डाली जो लोग इमेजेस के लिए काम कर रहे थे, आपने टेक्स्ट के लिए अप्लाई की, यहाँ पे काम कर गई, या स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली, आपने वो फ्लो के अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की या किसी चीज को रिप्लेस किया, कोई स्टेप नया डाल दिया, किसी स्टेप को रिप्लेस किया किसी और चीज के साथ, कोई नई कंडीशन उसके ऊपर लगा दी, उससे वो ओवरऑल वर्किंग बेहतर हो गई और आपकी चीज जो है वो एक्सेप्ट हो गई। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड सी अप्लाइड रिसर्च बहुत ज्यादा उस वजह से, क्योंकि द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाए तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे 2-3 में से कोई एक ट्राई करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। दैट मींस के जो टाइम विंडो है आपके लिए कि आपने थीसिस 1 और 2 एक साल में आपने पूरी रिसर्च कंप्लीट करनी है, आप बिल्कुल, तो आप वहाँ पे मल्टीपल चीजें वो ट्राई कर सकते हैं कम टाइम में, और बेसिकली एक आपके ऊपर एक लिमिट है कि आपने साल के अंदर ये सारा करना है, नई चीज भी करनी है और उसको लिखना भी है और वो सारा, तो इस वजह से दैट इज अ मोर कॉमन ट्रेंड। उसकी एक दूसरी वजह ये है कि आज जॉब प्रोस्पेक्टिव से भी वो ज्यादा बेहतर एक चीज है, जब आप बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज लाइक वो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो रिकग्निशन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर कोई कहता है कि नेट से दराज है और दराज को आइटम्स की डिटेक्शन में या आइटम्स की ऑटोमेटिक जो फीचर्ड एरिया है वहाँ पे प्लेसमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो जब आप अप्लाइड रिसर्च में काम करते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो उस प्रॉब्लम पे काम कर
गई है वहां पे आपके जॉब के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने बेसिक रिसर्च नहीं की, जो आपने अप्लाइड रिसर्च की जो टारगेट उस प्रॉब्लम को करे और उनको ऐसे लोग चाहिए जो पर्टिकुलर उनके काम को बेहतर करें, आपने क्वेरी रिजल्ट्स को बेहतर किया, आपने वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होंगे, तो इस तरह से अप्लाइड रिसर्च है उसका जॉब मार्केट जो इंडस्ट्री में वो भी ज्यादा है, उसकी टाइम भी आप आसानी से थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम फ्रेम के अंदर ये सारा काम कर लूंगा और रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के चांसेस भी ज्यादा है। सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेस लेक्चर, और अगर कोई कोई आइडिया कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो